everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. Class 10th, Social Science की preparations. शंखनाद करने वाले हम इस लेक्चर के साथ में इस पूरे की पूरी प्रिपरेशन जर्नी का. यह जो वीडियो होने वाला है ये एक मास्टर वीडियो होगा. आपने थंबनेल और टाइटल देखकर एक बार फिर से रीचेक किया होगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है. जी हाँ, ऐसा हो रहा है. जो आपके सिलेबस के पूरे 21 चैप्टर्स हैं, तो इन 21 के 21 चैप्टर्स को ऊपर से नीचे तक नाप के रख देंगे इस एक वीडियो में. और वो भी ऐसा नहीं कि आपको कोई 21 घंटे देना होगा, मात्र एक से डेढ़ घंटे में हम ये पॉसिबल करके दिखाएंगे. ठीक है, आप लोगों ने अधिकतर इस चीज पे क्या कह सकते हैं कि ऑब्जेक्शन उठाया कि सर लेक्चर्स इतने बड़े होते हैं कि एग्जाम टाइम में हम कैसे पढ़े. तो मैंने कहा था कि जस्ट वेट एंड वॉच. समय दो और हर चीज समय से होते जाएगी. मुझे पता था क्योंकि जब आपको चैप्टर्स पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ना, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है. लेकिन जब बात आएगी रिविजन की, तो रिविजन के लिए कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज हम बनाएंगे जो आपको कम समय में मैक्सिमम आउटपुट दे पाए. एंड दिस इज वन ऑफ दैट थिंग. अब देखो, अभी आपके मन में एक डाउट सच में बहुत जोर से कौंध मार रहा होगा कि कैसे हो सकता है कि 21 चैप्टर एक वीडियो में कैसे करेंगे. तो मैं आपको एक चीज बताता हूं. देखो क्या होता है, हिरण्यकश्यप की कहानी आप सभी ने सुनी है, भक्त प्रहलाद की. तो हिरण्यकश्यप जी ने क्या करा, तपस्या करी और भगवान ब्रह्मा जी जो थे उनसे एक वरदान मांगा कि ना वो दिन में मरेंगे ना रात में, ना वो इंसान से उनकी मृत्यु होगी ना जानवर उनकी मृत्यु कर सकते हैं, ना वो अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से, ना धरती में ना पाताल में ना आकाश में, कहीं उनकी मृत्यु नहीं होगी. लेकिन फिर भी मृत्यु होती है ना. वैसे ही अभी अब क्या, इतना बड़ा सिलेबस 21 चैप्टर है, ज्योग्राफी भी करना है, हिस्ट्री भी करना है, इकोनॉमिक्स भी करना है, सिविक्स भी करना है, किसी ने सब कुछ पढ़ लिया, किसी ने कुछ ना पढ़ाओ, तो इन सबको एक साथ साध के कैसे काम किया जा सकता है. उसी सार को ध्यान में रखते हुए यह जो वीडियो, तो पूरे के पूरे 21 चैप्टर जो है, हर उस बच्चे के लिए भी यह वीडियो जरूरी है जिसने पढ़ना भी स्टार्ट किया है, हर उस बच्चे के लिए भी जरूरी जिसने सब कुछ पढ़ लिया जिसे रिविजन करना है. तो पूरे 21 चैप्टर का एक ओवरव्यू, जिससे सारे के सारे 21 चैप्टर आपकी नजरों के सामने दौड़ जाए, वो आपको इस एक वीडियो में मिलेगा. ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर है, क्या, लेट अस विन टुगेदर, लेट अस हैव अ विक्ट्री ओवर बोर्ड्स. एंड हियर वी गो, शुरू करते हैं. शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या, कि आपको पूरा पैटर्न, पूरा स्ट्रेटजी वगैरह सब कुछ मैंने स्ट्रेटजी वाले वीडियो में सोशल साइंस का जो पूरा प्लान है वो बता दिया है, उस हिसाब से हम काम करेंगे. तो यूट्यूब पे आप सारे लेक्चर्स ले लेंगे, तैयारी कर लेंगे. अनअकैडमी ऐप पर भी फ्री क्लासेस होती है, तो वो फ्री क्लासेस में आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है, सैंपल पेपर के सोल्यूशन हम वहां डिस्कस कर लेंगे, जो सैंपल पेपर दे रहा हूं. आपको किसी भी तरह से कनेक्ट करना है तो वो सारी चीजें वहां हो जाएंगी. तो जब जब क्लासेस रहेंगी उनका टाइम टेबल मैं बताते चलूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करते चलना आप. ठीक है, तो ये फ्री स्पेशल क्लासेस हैं, जैसे अभी एक लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में आपको, आज जो हमारी 9 बजे क्लास होगी. तो अगर आपको किसी प्रकार को कोई कंफ्यूजन है तो आज में 9 बजे वाली क्लास में हम डिस्कशन कर लेंगे. ठीक है, तो 9 बजे वाली क्लास की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है. उसी के साथ साथ ये सारे नोट्स वगैरह सब कुछ आप अनअकैडमी ऐप से कम्युनिटी सेक्शन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. जहां भी कोई कोड मांगेगा, यूज द कोड DIGRS दिगराज एंड यू विल बी इन अ पोजीशन टू अनलॉक ऑल द फीचर्स फॉर फ्री. ठीक, शुरू करते हैं. पहले हिस्ट्री की बुक, 5 चैप्टर, पांचों चैप्टर आपकी नजरों के सामने से दौड़ेंगे. अभी देखो तो क्या हो रहा है ना, आपको ये पता होना चाहिए और ये तरीका होगा उस चीज को चेक करने की, आपको आपने कितना पढ़ लिया, आपको कितना रिकॉल कर पा रहे हो, कितना ध्यान है. ठीक है, तो हिस्ट्री की अगर बात करें, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर है. अब राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप की बात करें तो इस चैप्टर में क्या दिया गया आपको, देखो मैं अगेन वही कह रहा हूं, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है वो ध्यान से सुनना, तो आपको बड़ी पिक्चर समझ में आ जाएगी कि चैप्टर में है क्या. जिसने सब कुछ पढ़ लिया तो उसको पूरा चैप्टर एक बार नजरों के सामने से 3-2 मिनट में पूरा चैप्टर दौड़ जाएगा. तो ये चैप्टर जो है हमारा, कौन सा, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप, ये 2 पार्ट पे चल रहा है. एक है स्टोरी लाइन वाला पूरा, कि चैप्टर में आखिरकार कहानी क्या चल रही, किसने किसको मारा पीटा. और साथ ही साथ आप देखो ना, तो चैप्टर में आपको आइडियोलॉजीज भी बताई है. इस चैप्टर में क्वेश्चन दोनों कॉन्टेक्स्ट से बनता है. तो जैसे चैप्टर शुरू आपका कहां से होता है, एक पेंटिंग है फ्रेडरिक सूर्यो की, उस पेंटिंग के माध्यम से जैसे बताया गया है कैसे क्या है कि नेशंस आर मार्चिंग टुवर्ड्स लिबर्टी, ये वो सारी चीजें, उस पेंटिंग का आइडिया. उसके बाद में आपका पहला टॉपिक आता है द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसमें पूरा ये बताया गया कि क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन में, क्या होने के साथ साथ में कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगनेस इकट्ठी की गई, ये सारा सब कुछ. उसके बाद में फ्रेंच आर्मीज जब आगे और यूरोप में मैसेज को कैरी करती है, नेपोलियन पावर में आता है, नेपोलियन सिविल वॉर, सिविल कोड ऑफ 1804 लेके आता है, उस नेपोलियन आ गया. अब जैसे आप देखोगे तो यहां तक क्या आपको समझ में आ गया कि नेपोलियन आ गया, ये सारा सब कुछ. लेकिन अब ये स्टोरी चल रही है, नेपोलियन आ गया, नेपोलियन को उसी के लोगों ने फिर बाद में क्या करना, मतलब जिन लोगों ने वेलकम किया उन्हीं लोगों ने नेपोलियन को अपोज किया. अब नेपोलियन जाएगा भी, ठीक है, बाय. अब नेपोलियन की हार हो जाती है. तो ये आपका चैप्टर की स्टोरी भी चल रही है, पैरेलल में आपको बीच में टॉपिक्स ऐसे देखने को मिलेंगे कि यूरोप जो था तो वो इतना यूनिफाइड नहीं था. ठीक है, यूरोप में उस समय देखोगे तो आप क्लासेस कैसी थी, एरिस्टोक्रेट्स थे, मिडिल क्लास के लोग थे. ठीक है, और यूरोप एक तरह से बायफर्केटेड था बहुत ज्यादा. ठीक है, बहुत ज्यादा बायफर्केटेड था, तो ये अलग अलग क्लासेस के लोग थे. अब सवाल ये आता है क्या, कि
जब इतना बायफर्केटेड है यूरोप, ये सारी चीजें हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं यूरोप में यूनिटी कैसे आई? तो क्या हो रहा है, आपको देखने को मिलेगा कि लिबरल आइडियाज जो है, तो जो मिडिल क्लास इमर्ज हुई, उस मिडिल क्लास ने लिबरलिज्म पे फोकस किया, और लिबरल आइडियाज जो इमर्ज हुए, तो उस लिबरलिज्म से कहीं ना कहीं यूरोप में मॉडर्नाइजेशन आया, और वही मॉडर्नाइजेशन से नेशनलिज्म आया। ठीक है, तो लिबरलिज्म क्या है, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, फिर उसके बाद में ये सारा चैप्टर में दिया गया है। फिर उसके बाद में इसे आगे बढ़ोगे तो कंजर्वेटिज्म जो आया, ठीक है, कंजर्वेटिज्म कहां से आ गया, तो जैसे अगर आप कंजर्वेटिज्म को देखेंगे तो क्या हो रहा है कि नेपोलियन पावर में आया, नेपोलियन ने उत्पाद मचाया, कब से कब तक, 1804 से 1815 तक। 1815 में नेपोलियन की डेथ हो जाती है। नेपोलियन को हराने वाले लोग कौन थे, तो जो पर्प नेशंस थे, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, वो पर्प नेशंस मिलके वापस से कंजर्वेटिज्म को एस्टैब्लिश करते हैं। कंजर्वेटिज्म क्या है, तो जो रूलिंग क्लास के लोग फिर से पावर में आते हैं, लेकिन इस बार वो थोड़ा सीख के आए थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक तरह से क्या किया कि थोड़ा मॉडर्नाइज होके वापस अपनी पावर को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी। ट्रीटी ऑफ वियना साइन करते हैं, जिसके चलते क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो ये सारी चीजें चैप्टर में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि लेकिन अब जो लोग स्वाद चख चुके थे किस चीज का, आजादी का, तो वो जो कंजर्वेटिव थे, कंजर्वेटिव फिर से अपने पावर को कंसोलिडेट करना चाह रहे थे, लेकिन जो आजादी का स्वाद चख चुके थे तो वो मानने वाले नहीं थे ना, तो वो लिबरल्स, वो नेशनलिस्ट लोग जो थे, ठीक है, तो वो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि लोग इन कंजर्वेटिव को हटाना चाहते थे, और कंजर्वेटिव को हटाने के लिए जो बड़ा प्रयास किया गया वो किया गया रेवोल्यूशनरीज के द्वारा। रेवोल्यूशनरीज के बारे में, तो गुज़िबी मज़ीनी वगैरह के बारे में आपको जानने को मिलता है, चैप्टर चल रहा है पैरेलल में। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जैसे देखोगे तो कंजर्वेटिव्स पावर में आ गए 1815 में, अब 1830 के बाद से वही कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट में क्या होने लगती है, आवाज उठाई जाने लगती है, तो एज ऑफ रेवोल्यूशन शुरू होता है। इस एज ऑफ रेवोल्यूशन में आपको क्या देखने को मिलता है, एज ऑफ रेवोल्यूशन में आपको देखने को मिलता है कि यूरोप में फ्रांस, पहली बार भी फ्रांस में रेवोल्यूशन आया था, और फ्रांस से वो लिबरल आइडियाज पूरे यूरोप में फैले थे। अगेन कंजर्वेटिव पावर में आ गए, अब कंजर्वेटिव्स को हटा के वापस फ्रांस से फिर क्रांति शुरू होगी, तो व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, हू सेड दिस स्टेटमेंट इन द कमेंट। ठीक है, आपको आंसर बताना है। अब क्या हो गया, तो व्हेन एज ऑफ रेवोल्यूशन में फ्रांस से स्टार्ट होती सारी चीजें, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस, फिर वापस फ्रांस में रेवोल्यूशन ऑफ पोअर, तो उसके बाद में फ्रांस रिपब्लिक बन जाता है। ठीक है, वैसे आप देखोगे तो मिडिल क्लास जो थी जर्मनी में वो भी प्रयास करती है, फेल्ड अटेम्प्ट रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वगैरह थी, तो उससे एक चीज क्लियर हो गई थी कि ज्यादा समय तक आप सप्रेस नहीं कर सकते हो। हंगर हार्डशिप रिवॉल्ट के चलते फ्रांस को देख के जर्मनी के लोगों ने भी प्रयास किया था, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट वाला। ठीक है, तो यहां पे आपको पैटर्न को ध्यान रखना है। अब ये जो एज ऑफ रेवोल्यूशन चल रहा है, तो मैंने क्या बताया, ये स्टोरी तो चल रही है, इधर क्या स्टोरी चल रही है कि फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, नेपोलियन ने पावर ली, नेपोलियन को हटाया, कंजर्वेटिव पावर में आए, कंजर्वेटिव्स को हटाने के लिए जो रेवोल्यूशनरीज एक साथ प्रयास करते, तो फिर एक एज ऑफ रेवोल्यूशन चालू होता है, और फिर जो एज ऑफ रेवोल्यूशन चालू होता है तो उसमें फ्रांस, बेल्जियम, ग्रीस, ठीक है, फ्रांस अल्टीमेटली रिपब्लिक, फेल्ड अटेम्प्ट ऑफ जर्मनी, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, वो सारा प्रयास चल रहा था। अब ये तो कहानी चल रही है, कहानी के पैरेलल में आइडियोलॉजीज भी चल रही है, तो जैसे लिबरल्स का एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है कहीं ना कहीं नेशनलिज्म को यूरोप में फैलाने में, कंजर्वेटिव्स एक कैटेगरी के लोग थे, रेवोल्यूशनरीज एक कैटेगरी के लोग थे, वैसे ही एक कैटेगरी के लोग थे रोमांटिसिस्ट, जोहान गॉटफ्रिड हर्डर, ठीक है, कैरोल कुर्पिंस्की। तो इन लोगों का आइडिया क्या था कि हम कल्चर पे फोकस करें नेशनलिस्ट फीलिंग को फोर्ज करने के लिए, तो वो रोमांटिसिज्म और नेशनल फीलिंग की बात, रोमांटिसिज्म और नेशनल फीलिंग की बात। अब जैसे आप देखेंगे तो रोमांटिसिस्ट भी एक कैटेगरी के लोग हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे जो यूनिफिकेशन चल रहा है एज ऑफ रेवोल्यूशन के बाद में, आपको क्या देखने को मिलता है कि सिर्फ लोगों ने यूनिफाई नहीं किया, कभी कभी रूलिंग क्लास के लोगों ने भी यूनिफाई किया, तो नेशंस को यूनिफाई करने में रूलिंग क्लास के लोगों का भी इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो जैसे मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली, ब्रिटेन में, जर्मनी में ऑटो वन बिस्मार्क वाला, फिर इटली में जैसे आप देखोगे तो इटली में आपको देखने को मिलता है कि गुज़िबी मज़ीनी का फील्ड अटेम्प्ट रहा, उसके बाद में विक्टर इमैनुअल, गुज़िबी गैरिबाल्डी, कैवियर, इन सभी लोगों का प्रयास, ब्रिटेन का जो पूरा स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, स्कॉटलैंड को मिलाना, वेल्स को मिलाना, और उसके साथ साथ आयरलैंड पे कब्जा कर लेना, ये सारा पूरी कहानी। अब उसके साथ साथ में जैसे देखोगे तो लास्ट में क्या है कि ये पूरा यूनिफिकेशन प्रोसेस चल रहा है, नेशनलिज्म कहीं ना कहीं नए नेशंस को जन्म दे रहा था यूरोप में, और ये सारा सब कुछ जब हो रहा था तो वहां पे नेशंस को विजुअलाइज भी किया जा रहा था, एलेगरी कंस्ट्रक्शन। तो मैरियन और मैरियन के साथ साथ में आप क्या देखते हैं, जर्मेनिया, जर्मनी की एलेगरी, ठीक है, मैरियन, फ्रांस की एलेगरी, तो एलेगरी कंस्ट्रक्शन का भी एक कल्ट था, वो भी इस चैप्टर में आपको बताया गया है। एट लास्ट जैसे चैप्टर में आप देखेंगे तो जो टॉपिक है आपका नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, तो जिसमें आपको स्टोरी पूरी बताई गई कि कैसे ऑटोमन एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन के बाद में बाल्कन नेशंस इमर्ज होते, बाल्कन नेशंस आपस में लड़ रहे थे, जिससे वो पूरा रीजन जो है वो बहुत विस्फोटक जोन बन गया, और वही कारण बनता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। और आइडिया क्या है, नेशनलिज्म मतलब एक खुद के देश से प्यार करना, लेकिन जब ये यूरोप के कंट्रीज नेशनलिज्म के चलते खुद तो इंडिपेंडेंट हो गए, लेकिन जब दूसरी कंट्रीज के ऊपर डोमिनेट करने लगे, इंपीरियलिस्ट होने लगे, तो वही इंपीरियलिज्म क्या बनता है, वही इंपीरियलिज्म कारण बनता है
कहीं ना कहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वही इंपीरियलिज्म जो है तो वो कॉलोनीज में एंटी कॉलोनियल मूवमेंट शुरू करवाता है, और इस तरह से पूरा चैप्टर यहां पे कसा हुआ है। आई होप पूरा चैप्टर आपकी नजरों के सामने से दौड़ गया है। आगे अगर बढ़े हम तो नेशनलिज्म इन इंडिया, अगला चैप्टर जो आपका, देखो एक एक चैप्टर ऐसे समझते चलना। अब जिस बच्चे ने कुछ नहीं पढ़ा था उसे भी समझ में आ गया पूरा कि क्या ब्रॉड थीम है। आगे से जो हम रिविजन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें आपको आसानी रहेगी। दूसरा, जिसने सब कुछ पढ़ लिया था तो उसको ये पूरा चैप्टर एक बार रिकॉल हो गया, isn't it? आगे बात करें अगर नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया की बात करें तो ग्रोथ ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट, कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो नेशनलिज्म फीलिंग स्टार्ट होती है वो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के फॉर्म स्टार्ट होती है। यही से कनेक्ट कर लो मैंने जैसे आपको बताया कि वो जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थी उनको अपोज करने के लिए कॉलोनियल कंट्रीज के लोग एक साथ जुड़ गए। आप बोलोगे सर एक चैप्टर के टॉपिक जोड़ते थे वो कम था क्या कि दो चैप्टर एक साथ जोड़ दिए, लेकिन कनेक्ट करके पढ़ोगे आसान रहेगा, ठीक है। तो आप जैसे देखोगे तो ग्रोथ ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट के चलते क्या होता है कि हमारे लोग एकजुट होते हैं, नेशनलिज्म फीलिंग और स्ट्रेंथन होती है, ठीक है। वहीं पे आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आता है तो जिसके चलते क्या फोर्स रिक्रूटमेंट, टैक्स, क्रॉप फेलियर, बीमारियां और ये सारी चीजें, जिसके चलते लोग और नाराज होते ब्रिटिशर्स से। और उसी बीच में महात्मा गांधी भी भारत में आते हैं जो न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल देते हैं, सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया ध्यान रखना है, चंपारण, खेदा, अहमदाबाद में उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं, और यहां से इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक नया फेज स्टार्ट होता है। अब इस पूरे चैप्टर में आपको ब्रॉडली क्या बताया गया है नेशनलिज्म इन इंडिया में, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में बताया है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बताया है। अब दो मूवमेंट आपको ब्रॉडली इस चैप्टर में बताए गए हैं, तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दोनों ही मूवमेंट के अंदर आपको तीन चीजें ध्यान रखना है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किसने कब कहां कैसे पार्टिसिपेट किया, एजेंडा क्या था नॉन कोऑपरेशन का, और लिमिटेशन क्या रही नॉन कोऑपरेशन की। वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में भी, मतलब पूरे चैप्टर में दो मूवमेंट्स हैं और दोनों मूवमेंट्स को आप इन तीन पैरामीटर पर समझ सकते हो। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करें तो क्या है कि जैसे आप देखेंगे रॉलेट एक्ट आया गया, ठीक है, रॉलेट एक्ट के अपोज में सत्याग्रह की बात की गई और लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जनरल डायर ने कमांड अपने हाथ में ले ली। क्या बोल सकते हैं, वो इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। हिंदू मुस्लिम्स के बीच में भी जैसे आप देखेंगे रिफ्ट थी, लेकिन उस रिफ्ट को भरा गया खिलाफत मूवमेंट को और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एक साथ जोड़ के, जहां पे महात्मा गांधी ने वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को प्रूव किया और बताया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की मदद से ही हम क्या कर सकते हैं, जब हम कोऑपरेशन हटाएंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य एक साल के अंदर क्या होगा, धड़ाम से गिर जाएगा। तो वो उसी नोट पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है 1921 जनवरी में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेंट टाउन में कौन थे, किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, तो टाउन में लॉयर्स, स्टूडेंट्स, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इकोनॉमिक फ्रंट पे उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। लिमिटेशन क्या रही टाउन में, तो खादी एक्सपेंसिव था और कोई इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। वैसे अगर आप देखोगे क्या है तो फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया, कॉल ऑफ कर लिया गया चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद में। उसके बाद में अगला मूवमेंट जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बाद में चालू होगा। बीच में एक ट्रूस पीरियड था जिसमें स्वराज पार्टी बनाई जाती है, जिसमें दो और फैक्टर थे जो कहीं ना कहीं शेप कर रहे थे उस समय की पॉलिटिक्स को। एक साइमन कमीशन आया था जिसे हमने ट्रीट किया था विद द स्लोगन गो बैक साइमन, तो वो ट्रूस पीरियड वाला एक पार्ट रहेगा। ट्रूस पीरियड के बाद में अगली चीज जो आपको देखने को मिलती है, मतलब एक फैक्टर वो था, दूसरा कहीं ना कहीं समय पे इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत गड़बड़ थी, जहां जिसके चलते हम अपने गुड्स नहीं बेच पा रहे थे, तो कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल। साथ ही साथ जो यंग लीडर्स थे जो और रेडिकल थे, जिन्होंने डोमिनेंट स्टेटस का डिमांड रिजेक्ट करते हुए बोला था कि हम लेंगे तो पूर्ण इंडिपेंडेंस लेंगे, मतलब फुल इंडिपेंडेंस लेंगे, पूर्ण स्वराज। वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी इन तीन पैरामीटर पर, पार्टिसिपेंट्स रिच पीजेंट्स थे, पुअर पीजेंट्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और वर्कर्स थे, और विमेन थी। विमेन पहली बार पार्टिसिपेट कर रही थी कंट्री में किसी ब्रॉड मूवमेंट में, नेशन वाइड मूवमेंट में। एजेंडा सिंपल था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमने ये कहा था क्या कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम पूरी तरह से डिसोबे करेंगे, सिर्फ कॉपरेशन नहीं हटाएंगे। और इसको स्टार्ट कैसे किया गया था, तो वो सॉल्ट मार्च वाली पूरी कहानी कि महात्मा गांधी ने 11 पॉइंट का अल्टीमेटम पहुंचाया, लॉर्ड इरविन ने मना बोल दिया, हमने मूवमेंट छेड़ दिया, लेकिन मूवमेंट को कॉल ऑफ करना पड़ता है, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाते लेकिन वहां हाथ कुछ मिलता नहीं है। लिमिटेशन क्या रही, ठीक है, लिमिटेशन क्या रही, तो जैसे पार्टिसिपेंट्स वही नॉन कॉपरेशन के भी ध्यान रखना कि कंट्री साइड के पार्टिसिपेंट्स थे, नाइरोबी बंद, बाबा रामचंद्र और वो सर अवध किसान सभा, पीजेंट्स भी थे, ठीक है, ट्राइबल्स भी थे, स्वराज प्लांटेशन वर्कर्स का अपना नोशन था, ये पूरा नॉन कोऑपरेशन का था। वैसे ही सिविल डिसोबीडियंस में भी पार्टिसिपेंट ग्रुप्स मैंने आपको पांच बता दिए। लिमिटेशन की अगर बात करें तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की ये कि हिंदू मुस्लिम के बीच में नहीं बन पाई थी, और कास्ट के चलते क्या है कि अपर कास्ट हिंदूज और शेड्यूल कास्ट के लोगों के बीच में नहीं बन पाई थी। इंडिविजुअल लेवल पे पूना पैक्ट वाला पार्ट लिख सकते हो, एमआर जयकर और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच की कॉन्ट्रोवर्सी लिख सकते हो, क्लियर है। तो ये पैटर्न ध्यान रखना। अब बात करें दी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की, तो सिंपल सी चीज है, दी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में क्या बताया गया है कि देश यूनाइटेड स्ट्रगल के चलते तो एकजुट हो रहा था,
उसी के साथ साथ देश एकजुट एक और कारण से हो रहा था, और वो एक और कारण क्या था कि हम सभी लोग, ठीक है, हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं क्या है, हम सभी लोगों को अलग अलग तरीके से कल्चर की मदद से एकजुट किया गया। तो पिक्चर्स, पोएट्रीज, फोक टेल्स, हिस्ट्री वॉज रीरिटन, ठीक है, फ्लैग्स वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो इन सारी चीजों की मदद से कहीं ना कहीं हमें एकजुट किया जा रहा था। वो सारा सब कुछ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग में बताया गया, और यहां से सीधा एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगला चैप्टर, ठीक है, अगला चैप्टर है मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर जो है तो 4 पिलर पर टिका हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है, 4 पिलर पर टिका हुआ, मतलब 4 टीयर पर चल रहा है, यानी कि कार है, ठीक है। अब यहां जैसे देखोगे तो जर्नी ऑफ मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो बताया जाए, तो आज जो हम वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हम कहते हैं कि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, लेकिन ये वर्ल्ड आज से ही ग्लोबलाइज नहीं है, ये वर्ल्ड हमेशा से ग्लोबलाइज रहा है। कैसे हमेशा से ग्लोबलाइज रहा है, तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड की भी बात करोगे तो वर्ल्ड क्या है, जुड़ा हुआ था। एविडेंसेस मिलते हैं आपको सी ट्रेड की और ये सारा सब कुछ, वैसे ही सिल्क रूट का एविडेंस मिलता है, जहां पे क्या है कि ईस्ट और वेस्ट जुड़ा हुआ था, चाइना से कार्गोस ऑफ ट्रेड वगैरह ये सारा सब कुछ जाता था। उसी के साथ साथ जैसे अगर आप देखोगे तो सिल्क रूट के साथ साथ फूड ट्रेवल्स, तो फूड भी आपको ये एविडेंस देता है कि कहीं ना कहीं खाने के माध्यम से भी हम जुड़े हुए थे। कैसे, तो आप स्पेगेटी की बात कर लो, आप अब बात कर लो किस चीज की, पास्ता की बात कर लो, तो ये कल्चरल लिंक्स दर्शाता है उस समय पे, ठीक है। कंक्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड, तो ये एविडेंस देते हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी क्या है कि डिसीजेस जो स्मॉल पॉक्स जो यूरोपियंस अमेरिका पहुंचे तो उनसे पहले उनकी बीमारियां पहुंच गई, उन बीमारियों ने यूरोपियंस को अपनी पावर स्टैब्लिश करने में मदद दिलाई। तो उस तरह से कंक्वेस्ट में डिसीजेस ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करी। ट्रेड कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ट्रेड के चलते लोग एक जगह से दूसरे का माइग्रेट होने लगे थे, लोग यूरोप छोड़ छोड़ के जो न्यू फाउंड लैंड्स है वहां जाने लगे थे। तो ये एक पार्ट प्री मॉडर्न वर्ल्ड का ये दर्शाता कि पहले भी वर्ल्ड ग्लोबलाइज था। 19th सेंचुरी में वर्ल्ड में ग्लोबलाइजेशन जो है, मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, और फास्टन हुआ था। कैसे, तो 19th सेंचुरी में वर्ल्ड इकोनॉमी शेप ले रही थी, जहां 3 तरह के फ्लो देखे गए, कैपिटल, लेबर और वर्कर्स का, ठीक है, कैपिटल, हाँ कैपिटल, लेबर और एक और चीज क्या थी, गुड्स, हाँ गुड्स, कैपिटल और वर्कर, ये 3 तरह के फ्लो देखने को मिलते हैं। टेक्नोलॉजी ने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। देखो अब ये चीज ध्यान रखना कि लोग यूरोप छोड़ छोड़ के दूसरी जगह जा रहे थे, ऐसे वर्ल्ड इकोनॉमी शेप ले रही थी, ठीक है। दूसरी जगह गए तो उनके पीछे पीछे काम करने वाले लोग भी गए, वो वहां सेटल हो गए, वहां से गुड्स इधर पहुंचाने लगे, ठीक है। तो इस तरह से वर्ल्ड कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड हो गया था, इंटरकनेक्टेड हो गया था। यहाँ पे टेक्नोलॉजी ने इंपॉर्टेंट रोल ये पड़ा प्ले किया कि ट्रांसपोर्टेशन से वर्ल्ड जुड़ गया। ट्रांसपोर्टेशन से वर्ल्ड जुड़ने के साथ साथ में आपको देखने को मिलता है कि ट्रांसपोर्टेशन से वर्ल्ड जुड़ गया, साथ ही साथ रेफ्रिजरेटेड शिप्स वगैरह आ गई, जिससे अब फूड्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या है, पेरिशेबल फूड्स को भी पहुंचाया जा सकता था। कॉलोनियलिज्म का एक बड़ा इंपैक्ट रहा है 19th सेंचुरी में जो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में। तो आप कहते हैं कि हर चीज का एक नेगेटिव साइड भी होता है, अगर पॉजिटिव बहुत दिख रहा है तो वो नेगेटिव साइड क्या था, वो सिक्के का दूसरा पहलू यह था कि जो ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा था तो यूरोप के देश तो संपन्न हो गए, उन्होंने अब दूसरे वर्ल्ड पे कब्जा करना चालू कर दिया। अफ्रीका की कहानी आप देखने को मिलती है कि किस तरह से अफ्रीका को डिवाइड कर लिया और अफ्रीका में रिसोर्सेज के लिए यूरोपियंस पहुंचे, वहां के लोगों को लेबर बनाया, रेंडरपेस्ट बीमारी वहां पहुंचती है जिससे किस तरह से वहां के लोगों की लाइवलीहुड खत्म हो जाती है, और कॉलोनियल डोमिनेशन आपको अफ्रीका के ऊपर देखने को मिलता है। सेम इज द केस विद इंडिया, इंडिया में भी कॉलोनियलिज्म का क्या इंपैक्ट था, तो हमारे यहां से लोगों को फोर्स लेबर बना के ले जाया जाता था, इंडेंजर्ड लेबर के फॉर्म में, ठीक है। तो प्लांटेशन फील्ड्स पे काम करवाया जाता था, लोग वहां जाके वहीं के हो गए, वहां कल्चरल फ्यूजन आपको देखने को मिलता है। तो पूरा इंडेंजर्ड लेबर वाली कहानी। अब ऐसा नहीं कि इंडिया के लोगों का कंट्रीब्यूशन ग्लोबल वर्ल्ड के बनने में सिर्फ लेबर के फॉर्म में ही था, इंडिया के जो लोग थे वो एंटरप्रेन्योर भी थे। तो जो आपको क्या देखने को मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड जो थे, तो नट्टुगुडाई क्षत्रियस, क्या उसके बाद में नट्टुगुडाई क्षत्रियस हो गए, फिर शिकारीपुरी शरॉफ, तो ये सारे लोग जो हैं, ये सारे लोग हैदराबादी सिंधी, तो ये ग्लोबल ट्रेड जो हो रहा था मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम की अगर बात करें तो उसी के साथ साथ इंडिया जो है, तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन उस पूरे कॉलोनियल पीरियड में इस सेंस में भी रहा कि इंडिया से पहले जैसे जो रॉ मटेरियल, पहले गुड्स एक्सपोर्ट होते थे, तो गुड्स को चेंज करके रॉ मटेरियल ले जाने लगे, खास करके ब्रिटेन वगैरह जो है, तो ब्रिटेन वगैरह ने क्या किया, हमें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट किया, हमेशा इंडिया से ट्रेड सरप्लस लेके चलते थे और उनके होम चार्जेस जो है वो मीट आउट करते थे इंडिया के पैसे से। तो ये पूरा 19 सेंचुरी में वर्ल्ड कैसे ग्लोबल वर्ल्ड बनाया, टेक्नोलॉजी का क्या रोल रहा, अफ्रीका, इंडिया, सबका कंटेक्स्ट आपको ध्यान रखना होगा। शब्द आपके सामने आ रहे हैं, आपके नजरों के सामने से टॉपिक दौड़ जाना चाहिए। आगे अगर बढ़े तो अब इंटर वॉर इकोनॉमी, 19 सेंचुरी में वर्ल्ड कनेक्ट हो रहा है। 1914 आते आते एक बड़ा सा ब्रेकर आता है और उसके बाद में एक और बड़ा ब्रेकर आएगा, वो क्या था, वो था वर्ल्ड वॉर। तो ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में दुनिया कैसे शेप ले रही थी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में बहुत कुछ बदला है। वॉर टाइम चेंजेस, इंडस्ट्रीज जो थी तो वो क्या करने लगी, इंडस्ट्रीज गुड्स प्रोड्यूस करने लगी। वॉर टाइम ये मेजर चेंजेस हो रहे थे कि इंडस्ट्रीज अब गुड्स प्रोड्यूस करने लगी,
तो इंडियन इंडस्ट्रीज को यहां पे ग्रो करने का एक मौका मिल गया, इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का मौका मिल गया। अब वॉर तो खत्म हो गई, वॉर के बाद में लेकिन जो पहले पोजीशन थी कि ब्रिटेन डोमिनेट करता था, ब्रिटेन अब उस पोजीशन में नहीं रह गया। ठीक है, पोस्ट वॉर रिकवरी वॉज वेरी डिफिकल्ट स्पेशली फॉर ब्रिटेन। वॉर के बाद में जैसे देखते हैं तो एग्रीकल्चरल गल्ट क्रिएट हो गया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था, ये सारी समस्याएं थी यूरोप में। ठीक है, और उसी के चलते पैरेलल में यूएस में मास प्रोडक्शन बढ़ रहा था, जहां पे हेनरी फोर्ड वगैरह ने क्या किया था, फोर्डिस्ट मॉडल के चलते, असेंबली लाइन प्रोडक्शन के चलते प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा दिया, जिसके चलते क्या लोगों ने कंजम्पशन भी बढ़ाया, लेकिन वो सब कुछ लोन्स पे चल रहा था। और ये लोन पे जो सब कुछ चल रहा था, ये दुनिया रेत की बनी हुई थी। और जैसे ही फिर आपको क्या देखने को मिलता है कि लोन की रिकवरी वापस नहीं हुई, बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होता है, और उसी के चलते क्या होता है, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो यूरोप से अमेरिका से स्टार्ट होता है, पूरे यूरोप को भी चपेट में लेता है, और उसका इंपैक्ट इंडिया में भी होता है। इंडिया में अगर देखोगे तो इंडिया में भी क्या एग्रीकल्चर प्राइसेस वगैरह बहुत गिर जाती है, जो सैलरीड एम्प्लॉय थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने आप को बेटर ऑफ पा रहे थे क्योंकि चीजें सस्ती थी, लेकिन इकोनॉमिक डिप्रेशन का एक बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट रहा इंडिया के ऊपर भी। और आपको एक चीज यहां भी ध्यान रखना होगी कि इकोनॉमिक डिप्रेशन जो था तो उसको कहीं ना कहीं रिकवर करने में जेम कीन्स ये बोलते हैं कि इंडिया में जो गोल्ड लोगों ने स्टोर करके रखा था, उस गोल्ड ने वर्ल्ड की इकोनॉमिक डिप्रेशन की रिकवरी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। तो ये पूरा तीसरा पार्ट था कि इंटर वॉर इकोनॉमी में क्या चेंजेस आ रहे थे। वॉर खत्म, अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में इकोनॉमिक डिप्रेशन से जैसे जैसे बाहर निकले ही थे, 1939 आते आते फिर से सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया। मैंने बताया ना, एक ब्रेकर के बाद में दूसरा ब्रेकर। तो अब यहां पे जो दूसरा वर्ल्ड वॉर चालू होगा, तो ये दूसरा वर्ल्ड वॉर और समस्याजनक था। कैसे दूसरा वर्ल्ड वॉर और समस्याजनक था, तो यहां आपको क्या देखने को मिलता है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रक्शन और ज्यादा होता है, उसके बाद में रीबिल्ड करना था इकोनॉमी को, तो पोस्ट वॉर सेटलमेंट्स के लिए ब्रिटेन वुड्स में मीटिंग होती है। ये चीज तय थी क्या कि अब आपको स्टेबल डिमांड, मतलब अगर मास प्रोडक्शन है तो उसको मास कंजम्पशन से सपोर्ट करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट को यह तय करना पड़ेगा कि क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में सेटलमेंट को तय करने के लिए ब्रिटेन वुड्स में मीटिंग होती है। ठीक है, अर्ली पोस्ट वॉर ईयर जो रहता है, तो इस अर्ली पोस्ट वॉर ईयर में आपको क्या देखने को मिलता है, इस अर्ली पोस्ट वॉर ईयर में आपको देखने को मिलता है कि जो ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन बनाया गया था, उसने यूरोपियन कंट्रीज की रिकवरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा, जापान को भी रिकवर करवाया। फिर उसी के पैरेलल में आप देखोगे तो बहुत सारे देश आजाद भी हो रहे थे। अब जो देश आजाद हो रहे थे, तो ये देश जो आजाद हो रहे थे, ये इनका डिकोलोनाइजेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मतलब ये डिकोलोनाइज हो तो गए, जो कॉलोनियल कंट्रीज थी वो आजाद हो गई, इंडिपेंडेंस पा ली, लेकिन उनके सामने चैलेंज था गरीबी भुखमरी, और उससे ऊपर आना था, तो उन्होंने इन ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन की मदद ली, और धीरे धीरे अपनी रिकवरी करी। नियो का एस्टैब्लिशमेंट, ग्रुप ऑफ 77, सारी चीजें आपकी नजरों के सामने से दौड़ जाना चाहिए। लेकिन उसी के बाद में जिसे देखोगे तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट तय किया गया था ब्रिटेन वुड्स के द्वारा। अब लेकिन क्या हो रहा है कि यूएस की पोजीशन जो इतनी डोमिनेटिंग रहनी गई, तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को खत्म करके फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लाया जाता है। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट लाने के साथ साथ में वर्ल्ड, जैसे ग्लोबल वर्ल्ड हो रहा था, प्राइवेट बैंक्स एमएनसीज वगैरह जो है तो वो डोमिनेट करने लगी थी ग्लोबलाइजेशन के चलते। अब अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस इंडिया और चाइना जैसे देश बन गए थे। तो ये पूरा पार्ट रहा मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का। आगे बढ़े एक कदम और, तो आता है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें, तो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर बात करें, तो ये चैप्टर जो है तो ये दो पेंटिंग्स के साथ में शुरू होता है, मतलब दो पिक्चर्स के साथ में। ये बताता है कि किस तरह से एक नया युग प्रारंभ हो रहा है, जो पहले कभी जादू लगता था, वो आज एक मॉडर्न इंडस्ट्रियल वर्कर अपने मशीन्स की मदद से सब कुछ रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। तो इस नोट पे चैप्टर चालू होता है। अब देखो दो पार्ट है इस चैप्टर के, दो पार्ट कैसे हैं कि एक पार्ट है आपका पूरा यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो कि शुरू ही वहीं से हुआ है, दूसरा पार्ट है आपका इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन, और वो वाला पार्ट यहां पे दिया गया है पूरा। अगर यूरोप के इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें अपन, तो यूरोप के इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा थोड़ी ना कि जिस दिन से यूरोप बना होगा उस दिन से इंडस्ट्रियलाइजेशन है। उसके पहले कैसे गुड्स प्रोड्यूस होते, तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड था, जहां पे सब कुछ कंट्री साइड में होता था, मर्चेंट्स कंट्री साइड में ऑर्डर देके गुड्स खरीदते थे, सारा सब कुछ करते थे। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होता है, फैक्ट्रीज आना शुरू होती है। अब जब फैक्ट्रीज आती है, तो ये फैक्ट्रीज जो थी, तो फैक्ट्रीज अपने आप में एक बहुत बड़ा इनोवेशन था। रिचर्ड आर्कराइट ने जिस तरह से पहली कॉटन मिल को एस्टैब्लिश किया, जहां पे सारा प्रोडक्शन अब एक ही छत के नीचे हो रहा था, तो दैट वॉज अ यूनिक लैंडस्केप टू लुक इन दैट टाइम पीरियड। और उसी के चलते क्या होता है कि फैक्ट्रीज जो है तो इंग्लिश लैंडस्केप में कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज ही फैक्ट्रीज आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन ये पेस जो था इंडस्ट्रियल चेंज का उतना फास्ट नहीं था, पेस थोड़ा स्लो था। कैसे कि पहले सिर्फ कॉटन और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डोमिनेट कर रही थी। आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी वो भी स्टैग्नेंट नहीं थी, वो भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा मॉडर्नाइज कर रही थी। इंडस्ट्रीज आने के बावजूद भी बहुत सारे लोग अभी क्या एग्रीकल्चर, मतलब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही, ट्रेडिशनल प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन वाले पैटर्न में ही काम कर रहे थे। और जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आए थे उनको अडॉप्ट करने में लोग स्लो थे। क्यों स्लो थे? क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता था। तो जैसे स्टीम इंजन
जो जेम्स वॉट ने डेवलप किया था उसको अडॉप्ट करने में लोग क्या थे, बड़े कॉशियस थे। ध्यान आया, अब क्या हो रहा है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज आ गई, सारा सब कुछ। अब सवाल यह था कि क्या लोगों ने हैंड लेबर प्रेफर किया स्टीम पावर, तो लोगों ने हैंड लेबर ही प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि अबंडेंस ऑफ लेबर, मशीनरी एक्सपेंसिव होती थी, सीजनल नेचर ऑफ वर्क होता था, यूनिकनेस प्रोडक्ट में हाथ से ही आती थी, ठीक है। और इसी के चलते एरिस्टोक्रेट्स जो थे तो हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते थे, तो इसके चलते क्या है कि लोग हैंड लेबर को ही प्रेफर करते थे। अब जो इंडस्ट्रीज में वर्कर्स गए थे तो क्या उनकी सिचुएशन कैसी थी, तो वर्कर्स की सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं होती थी, रातें ब्रिजेस के नीचे बितानी पड़ती थी उन्हें, काम मिलना उतना आसान नहीं होता था, इन्फ्लेशन ज्यादा था अगर वेजेस बढ़ भी रही थी, मशीनरी के आने से और बेरोजगार हो गए थे। तो शुक्र मनाओ किस चीज का कि धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चालू हो रही थी, सिटी डेवलपमेंट हो रहा था जिसमें लोगों को एब्जॉर्ब कर लिया गया था। तो ये पूरा ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन वाला पार्ट है। आगे बात करें इंडिया वाली, तो इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ, या फिर कॉलोनीज की बात करें, तो इंडियन सिस्टम अपने आप में ऐसा था कि हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क्स थे, हमारे ट्रेडर्स, हमारे मर्चेंट्स, हमारे वीवर्स सब कुछ सही चला रहे थे और इंडियन प्रोडक्ट की डिमांड वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा थी। लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है कि फिर ब्रिटिशर्स आते हैं, ब्रिटिशर्स इंडियन सिस्टम को तोड़ देते हैं, इंडियन सिस्टम को तोड़ देते हैं, नए पोर्ट्स बनाते हैं, अपनी पावर अपने हाथ में ले आते हैं। ये पूरा पार्ट स्टार्टिंग में बताया गया। फिर क्या होता है कि अब ब्रिटिशर्स ने या फिर कॉलोनियल पावर ने सिस्टम को डिस्टर्ब कर दिया, वीवर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा। तो पहले तो वीवर्स की पोजीशन अच्छी थी, बार्गेनिंग पावर रहती थी, लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने क्या कर लिया, वीवर्स के नेगोशिएटिंग पावर को खत्म कर दिया, गोमास्तास को अपॉइंट कर दिया, एडवांस लोन का सिस्टम ले आया जिसके चलते वीवर्स को बांध लिया जाता था कि तुम्हें हमने एडवांस दिया तो तुम्हें हमें ही प्रोडक्ट देना पड़ेगा। तो वीवर्स की लाइफ बेकार हो रही थी, वीवर्स ने काम करना छोड़ दिया, कुछ वीवर्स ने जगह छोड़ दी, इस तरह से सारे चेंजेस आ रहे थे। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, अगली चीज जो है वो है मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया क्या है कि इतना ही नहीं, गरीबी में गीला आटा क्या होता है कि वीवर्स तो कठिनाइयां फेस कर ही रहे थे, उल्टा जो ब्रिटेन में इंडस्ट्रीज बन रही थी तो वो इंडस्ट्रीज जो है मैनचेस्टर में जो इंडस्ट्रीज बनी, उन इंडस्ट्रीज के गुड्स अब इंडिया आने लगे, तो इंडिया में रॉ मटेरियल की शॉर्टेज, इंडिया के जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने अपना इंटरनेशनल मार्केट तो खोया ही खोया। क्यों? क्योंकि अब यहां से वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, इंडियन मार्केट, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट खो दिया, इंडियन डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ने अपने डोमेस्टिक मार्केट को भी श्रैंक होते हुए पाया, रॉ मटेरियल यहां से डाइवर्ट कर दिया जाता था। और उसी के साथ साथ क्या है कि इंडिया में भी खुद मैन्युफैक्चरर्स आने लगे, तो फैक्ट्रीज आ गई इंडिया में। अब इंडिया में जो फैक्ट्रीज आई तो अर्ली एंटरप्रेन्योर्स कौन थे, तो आप पूरे अर्ली एंटरप्रेन्योर्स जैसे आप ध्यान रखेंगे द्वारकानाथ जी टैगोर, जमशेद जी नुसरवान जी टाटा, जी डी बिरला, ये सारे लोग। अब ये अर्ली एंटरप्रेन्योर्स चाइना के साथ में जो ट्रेड हो रहा था उसमें जूनियर प्लेयर का रोल प्ले करते करते बड़े हो गए, फिर उन्होंने अपनी इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड करने का प्रयास किया। ब्रिटिशर्स उन्हें रोकते भी थे एट टाइम्स, उनके लिए इतना आसान नहीं था। अब इनकी इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग कहां से आते थे, वर्कर्स, तो जो इंडस्ट्रियल रीजन के आसपास के क्षेत्र रहते थे वहां से वर्कर्स आया करते थे, तो वो वर्कर्स काम करने के लिए आते थे। अब आगे बढ़े अगर तो दी पेक्युलैरिटीज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, तो जब हमारी फैक्ट्रीज को ग्रो करने में इतनी दिक्कतें थी तो ग्रो कैसे कर गई, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि हमारे जो एंटरप्रेन्योर थे उन लोगों ने डायरेक्ट कॉम्पिटिशन को अवॉइड किया, नेशनलिस्ट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट वगैरह ने कहीं ना कहीं इंडियन इंडस्ट्रीज को बूस्ट दिया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब यूरोपियन इंडस्ट्रीज व्यस्त थी वॉर रिलेटेड गुड्स बनाने में, वेपन बनाने में, तब हमारे लोगों ने उन्हें सप्लाई पहुंचाया, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो बेटर पोजीशन में आ पाए। उसी के साथ साथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है तो वो भी क्या अपने आप को थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके प्रीडोमिनेट करती चले गई, ठीक है, फ्लाई शटल वगैरह वाले इनोवेशन। उसी के साथ में देखेंगे तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो थी तो उसमें हर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की डिमांड कम नहीं होती थी, जो एक्सपेंसिव क्लोथ रहते थे जैसे बनारसी साड़ी वगैरह, उनकी डिमांड चाहे फेमाइन आई हो, डिमांड सस्टेनेबल ही रहती थी। लास्ट में मार्केट फॉर गुड्स, तो जिस तरह से पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन आपने देखा, चाहे वो ब्रिटेन की बात कर लो चाहे इंडिया की बात कर लो, अल्टीमेटली प्रोडक्ट जो बनाया उसे मार्केट करना जरूरी था। तो वैसे ही आप क्या देखते हैं कि अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया जिसमें आप क्या है कि प्रोडक्ट को प्रोडक्ट के ऊपर ऐसे मेड इन मैनचेस्टर वाले लेबल का इस्तेमाल किया जा रहा था जहां पे उसकी क्वालिटी को दर्शाया गया, गॉड गॉडेसेस, नवाब्स, इन सारे लोगों के फोटोज इस्तेमाल किए गए, कैलेंडर्स वगैरह की मदद से मार्केट किया गया गुड्स को, स्वदेशी आइडियाज पिच किए गए और इस तरह से मार्केट किया जाता था गुड्स को। तो ये पूरा चैप्टर हमारा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द लास्ट चैप्टर फॉर हिस्ट्री। देखो आपको बस इसी पेशेंस के साथ में बैठना है और आपका सारा चैप्टर पूरा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट चैप्टर जो अगर हम बात करें तो प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, तो हाउ प्रिंट रीच द वर्ल्ड, हाउ प्रिंट रीच द वर्ल्ड। तो अब इसमें क्या है कि प्रिंट की पूरी जर्नी कि कैसे चाइना में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, चाइना की ब्यूरोक्रेसी वगैरह, पूरी चाइना वाली कहानी, चाइना से प्रिंट जापान में जाता है, डायमंड सूत्रा बुद्धिस्ट जो मॉन्क्स थे वो उस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को लेके गए, वहां पे फ्लोटिंग वर्ल्ड की इमेजेस, उक्यो आर्ट फॉर्म डेवलप होता है जहां पे लोगों की लाइफस्टाइल वगैरह, प्रिंटिंग का काम स्टार्ट हुआ,
यूरोप की अगर बात करें तो यूरोप में भी आपको क्या देखने को मिलता है कि फिर चाइना से ही पेपर जाता है और मार्को पोलो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की टेक्निक लेके जाते हैं जो इटालियन एक्सप्लोरर थे, और वहां पे फिर धीरे धीरे आपको यूरोप में भी प्रिंटिंग फेमस होते देखने को मिलती है। शुरुआत में हाथ से लिखा जाता था, स्क्राइब्स वगैरह हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, लेकिन डिमांड ये थी कि तेज प्रोडक्शन किया जाए, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को अडॉप्ट किया गया। लेकिन वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से भी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि और डिमांड थी। तब कहीं ना कहीं क्या होता है, तब इनोवेशन होता है, नीड इज दी मदर ऑफ इनोवेशन, तब वहां पे इनोवेशन होता है। और इनोवेशन किस सेंस में होता है तो आपको क्या देखने को मिलता है कि जोहान गुटेनबर्ग जो थे तो वो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस बनाते हैं और उनकी प्रिंटिंग प्रेस के साथ में ही प्रिंट रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। समझ में आ रहा है? तो पैटर्न समझ में आ रहा है। देखो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आप पूरा एकदम इस एक वीडियो से पूरा एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, लेकिन इस एक वीडियो की मदद से आप एग्जाम के लिए रिवाइज कर लोगे, एग्जाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले तो रेडी हो जाओगे, आपको पूरी थीम समझ में आ जाएगी। उसके बाद में हमारे जो लाइव रिविजन सेशन होंगे डेली, तो उन रिविजन सेशन में आपको और क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो अब अगर बात करें हम किस चीज की, यूरोप की, तो प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। ठीक है, तो यूरोप में प्रिंट पहुंच गया, जोहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस डेवलप कर ली। अब बात करते हैं कि प्रिंट रेवोल्यूशन जो है उसका इंपैक्ट क्या रहा। तो न्यू रीडिंग पब्लिक, रिलीजियस डिबेट्स, प्रिंट एंड डिसेंट, ये जो तीन टॉपिक्स, इसको समझना अच्छे से कि प्रिंटिंग रेवोल्यूशन कैसे है कि अब पहले लोग सिर्फ सुनते थे, लेकिन अब क्या है कि किताबें छपना आसान हो गई, सस्ती हो गई, तो अब लोग पढ़ने लगे, तो रीडिंग हियरिंग पब्लिक जो है ना वो इंटरमिंगल होने लगी थी। साथ ही साथ ये प्रिंट जो आया तो इससे रिलीजियस डिबेट भी स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जो रिलीजियस अथॉरिटीज, उनको ऐसा लगता था कि अब वैल्यूएबल टेक्स्ट की, मतलब जो इंपॉर्टेंस थी, जो उनका दबदबा था, वो कम हो जाएगा, लोग कुछ भी लिखेंगे, कुछ भी बोलेंगे। और उसका एग्जांपल जैसे अगर आप देखेंगे कि रिलीजियस स्फेयर में कहीं ना कहीं एक डिबेट जो छेड़ दी, वो मार्टिन लूथर ने प्रिंट की मदद से छेड़ दी थी। ठीक है, तो ये रिलीजियस डिबेट्स। अब प्रिंट एंड डिसेंट की अगर बात करें तो क्या होता है कि मैंने क्यों का एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना होगा कि एक साधारण सा मिलर बाइबल के अगेंस्ट में, अपने चर्च के अगेंस्ट में अपने ओपिनियंस प्रिंट की मदद से देने लगा, और इसी के चलते उसके हेरिटिकल आइडियाज के ऊपर इसको एग्जीक्यूट भी किया गया, प्रोहिबिटेड बुक्स की लिस्ट भी निकाली गई। तो ये पूरा जो है, तो प्रिंट रेवोल्यूशन कहीं ना कहीं ऐसे शुरू होता है, रिलीजियस स्फीयर में आपको देखने को मिलता है, नई रीडिंग पब्लिक इमर्ज होती है, पूरा पार्ट। न्यू रीडिंग मैनिया, अब न्यू रीडिंग मैनिया में आपको क्या देखने को मिलता है कि नया फॉर्म ऑफ मटेरियल, पेनी चैप बुक्स, एल्मेनैक्स, बिब्लियोथिक ब्लू, साइंटिफिक डिस्कवरीज, इनोवेशंस, फिलोसोफर्स के आइडियाज, तरह तरह का मटेरियल, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो ट्रेड और वॉर से रिलेटेड मटेरियल, तरह तरह का मटेरियल मार्केट में आने लगा रीडिंग मैनिया के नाम पे। ठीक है, वहीं आप जैसे देखोगे तो क्या है कि प्रिंट को ऐसे कंसिडर किया गया कि इट इज ट्रेम्बल देयरफॉर टैरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो नॉवलिस्ट थे लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, उन्होंने, ये क्या हुआ, ठीक है, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, तो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने, जैसे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने, जस्ट गिव मी अ मिनट, लुइस सेबेस्टियन मर्सियर ने लिखा कि उनके नॉवल्स को पढ़कर, उनके नॉवल्स को पढ़कर क्या बनते हैं, हीरोज क्रिएट होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको कहां, रीडिंग मैनिया के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलती है। फिर आप जिस देखोगे तो प्रिंट को रीडिंग मैनिया से ऐसे भी जोड़ा गया है कि प्रिंट को क्रेडिट दिया जाता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए। तो कैसे, कि आइडियाज ऑफ एनलाइटेंड थिंकर्स पब्लिश होने लगे थे, डिबेट डिस्कशन का माहौल क्रिएट हो गया था, और जो कार्टून्स कैरिकेचर्स इमर्ज होते थे जो बताते थे कि किस तरह से रॉयलिटी प्लेजर में मस्त है और लोग जो है पेन सफर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसने, प्रिंट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है फ्रेंच रेवोल्यूशन को लाने में। ठीक है, तो ये पूरा आप देख रहे हैं यूरोप में प्रिंट आने के बाद में उसका क्या इंपैक्ट हो रहा था। चैप्टर ऐसे ही बड़ा आपका कि एक पूरा यूरोप का आइडिया रहेगा और एक पूरा आइडिया जो रहेगा इस चैप्टर में वो इंडिया का रहेगा कि इंडिया में क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे 19th century में यूरोप में क्या हो रहा था, 19th century में जैसे प्रिंट जो है तो मॉडिफाई हो रहा था, चिल्ड्रंस प्रेस, ग्रिम ब्रदर्स का कलेक्शन, फ्रांस में जैसे अगर आप देखेंगे तो इंग्लैंड में, फ्रांस में, हर जगह चिल्ड्रन एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरह इमर्ज हो रहे थे, स्कूल्स वगैरह जो है लिटरेसी बढ़ रहा था, तो चिल्ड्रन एक इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरह इमर्ज हो रहे थे 19th सेंचुरी में, जो प्रिंट का एडवांटेज ले रहे थे। विमेन पढ़ने लगी थी, तो बहुत सारी विमेन नॉवलिस्ट वगैरह, 2-3 विमेन नॉवलिस्ट के नाम कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप, सारे क्वेश्चन जो मैं देते जा रहा हूं उनका आंसर देना है कमेंट में। ठीक है, तो विमेन वगैरह हो गए। फिर वर्कर्स की अगर बात करें तो वर्कर जो है तो वर्कर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। कैसे, तो लैंडिंग लाइब्रेरीज वगैरह स्टार्ट कर दी गई थी यूरोप में, जहां पे अब क्या है कि जो वर्किंग आवर्स जब 8 घंटे पे कर दिए गए तो वर्कर सब पढ़ने लगे, तो उससे लिटरेसी रेट बढ़ रहा था। तो ये पूरा इंपैक्ट यूरोप का, यूरोप में प्रिंट का रहा। पैरेलल टू दैट इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में भी प्रिंट के आने से पहले क्या स्थिति थी, हाथ से लिखा जाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह में। ठीक है, और मैन्यूस्क्रिप्ट जो होती थी उनको स्क्राइब लिखते थे, पेपर भी नहीं था, तो जैसे पत्तों पे वगैरह, वुड ब्लॉक पे, इन सारी चीजों पे लिखा जाता था। फिर लेकिन क्या होता है, इंडिया में प्रिंट आता है, कौन लेके आता है, तो ये यूरोपियंस ही, पोर्टुगीज मिशनरीज अपने साथ प्रिंटिंग टेक्निक लेके आते हैं। पहले जो प्रिंटिंग स्टार्ट होती है वो भी रीजनल लैंग्वेज में होती है, कोंकणी, तेलुगु, तमिल, इन लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट करके प्रिंट किया जाता है। ये सारा सब कुछ होता है जस्टिस प्रीस्ट वगैरह के द्वारा। फिर इंग्लिश प्रिंटिंग स्टार्ट होती है, जेम्स ऑगस्टस हिकी जो अपनी मैगजीन चालू करते हैं,
और पहला न्यूज़पेपर जो था तो वो बंगाल गैजेट, जो गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो इस तरह से इंडिया में प्रिंटिंग स्टार्ट होती है। अब प्रिंटिंग इंडिया में स्टार्ट होती है तो उसका इंपैक्ट क्या है? तो पहली चीज वही रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट। तो जो रिलीजन से जुड़े हुए मुद्दे थे, तो राजा राम मोहन रॉय वगैरह जैसे क्या करने लगे, अपने न्यूज़पेपर वगैरह में रिफॉर्म की बात करने लगे, ऑर्थोडॉक्स उनको काउंटर करने लगे। सेम इज द केस विद इस्लाम। तो जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे, उलेमाज वगैरह थे, उन्हें ये डर था कि अब इस्लामिक रूलर्स चले गए, ब्रिटिशर्स आ गए, धर्म का पतन हो जाएगा, तो वो फतवाज वगैरह इशू करने लगे थे। रिलीजियस बुक्स वगैरह पब्लिश होने लगी थी, जैसे रामचरितमानस वगैरह, इनको प्रिंट किया जाने लगा था। क्लियर है? तो ये पूरा रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट के अंदर ये सारी चीजें पढ़ते हैं आप। फिर क्या है? न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन। तो वुमेन एंड पुअर पीपल, वुमेन एंड पुअर पीपल, तो अब न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन जो आया, तो उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि जिस तरह से प्रिंटिंग टेक्निक इंडिया में डेवलप हुई, तो प्रिंट के टाइप भी बदल गए। नॉवेल्स वगैरह प्रिंट होने लगे इंडिया में भी, पिक्चर्स वगैरह प्रिंट होने लगे। तो राजा रवि वर्मा की जो पेंटिंग्स होती थी उनका प्रिंट निकल जाया करता था, ठीक है। कार्टून्स कैरिकेचर्स इंडिया में आ रहे थे, जो कि नेशनलिस्ट लोग जो है तो ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज करते थे, और ब्रिटिश रूल जो है तो इंडियन नेशनलिस्ट को क्रिटिसाइज करता था। इस तरह से प्रिंट की मदद से एक दूसरे के ऊपर क्या कह सकते हैं कि आरोप लगाए जाते थे। क्लियर हुआ? न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन वाला पार्ट में फिर आप जिस देखोगे तो नया नया पब्लिकेशन आ रहा था। वुमेन और पुअर पीपल को कंसिडर करते हुए पब्लिकेशन निकल के आया। महिलाओं के लिए क्या, तो जैसे जो लिबरल पेरेंट्स थे वो पढ़ाना चाहते थे, कुछ लोग अपोज भी करते थे, बोलते कि नहीं पढ़ाएंगे तो करप्ट हो जाएंगी, विधवा हो जाएंगी। और उसी चीज के चलते आप देखेंगे तो महिलाओं ने बढ़ के हिस्सा लिया। राजसुंदरी देवी, सुनो मेरी बात यहां पर, जितने भी नाम, नॉवल और बुक, ये सारी चीजें ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना, क्योंकि ये पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेंगे आपके। तो जैसे राजसुंदरी देवी, ताराबाई शिंदे, पंडित तारामाबाई, सबके अलग अलग कंट्रीब्यूशन, सब महिलाओं ने लिखा है। फिर जैसे महिलाओं के ऊपर किताब लिखी गई, स्त्री धर्म विचार, राम चड्ढा के द्वारा लिखा गया, बटाला हाउस वगैरह, वो सारी चीजें न्यू फॉर्म्स ऑफ पब्लिकेशन वुमेन के कंटेक्स्ट में ही आ रहा है। फिर आप जैसे देखोगे तो पुअर पीपल, तो पुअर पीपल क्या है, तो पुअर पीपल जो है तो लिटरेसी रेट उनमें कम ही रहा, लेकिन जो रिफॉर्मर्स थे तो वो उनके लिए लिखते थे। जैसे गुलामगिरी किसने लिखी, कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा आपका, ठीक है। तो पेरियर हो गए, अंबेडकर हो गए, इन सभी लोगों ने लिखा, बढ़ चढ़ के लिखा। लैंडिंग लाइब्रेरीज एस्टैब्लिश इंडिया में भी की जा रही थी, जहां पे वर्कर्स जो है वो पढ़ सके, लिटरेसी रेट को इंक्रीज किया जा सके। एंड द लास्ट टॉपिक, प्रिंट एंड सेंसरशिप। तो अब ये पूरा प्रिंट हो रहा है, तो प्रिंट के ऊपर कोई सेंसरशिप था इंडिया में? तो जैसे आप देखेंगे 1857 के रिवॉल्ट के पहले तक तो ब्रिटिश प्रेस को नहीं सप्रेस किया जाता, मतलब ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में वो ब्रिटिश प्रेस को ही सप्रेस करते थे, इंडियन नेटिव प्रेस पे उनका ध्यान नहीं जाता था। लेकिन 1857 में उन्हें समझ में आया कि रिवॉल्ट में कहीं ना कहीं जो वर्नाकुलर प्रेस है उनको उन्होंने क्या किया, ज्यादा दबदबा मचाया है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के चलते आपको क्या देखने को मिलता है कि इंडियन प्रिंटर्स को वार्निंग दी जाती थी कि कुछ सेडिशियस मत लिखो, अगर तुमने कुछ गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिखा तो तुम्हें वार्निंग दी जाएगी, नहीं मानोगे तो कन्फिस्केट कर लिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो स्वराज के दीवाने होते हैं वो कहां रुकते हैं, और उन्होंने लिखा, जैसे गंगाधर तिलक जो थे तो अपने केसरी में वो खुल के लिखते थे, ठीक है। तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट प्रिंट कल्चर, एंड आई होप कि एक स्लाइड में पूरा चैप्टर आपके सामने आपको रिकॉल हो जाता होगा। तो इसी के साथ में हमारा हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो होता है कंप्लीट। हिस्ट्री के बाद हम आगे बढ़ते हैं ज्योग्राफी। आई नो थोड़ा सा लेंदी हो गया शायद, लेकिन अब वो आपको पूरी पिक्चर समझ में आ रही होगी। आगे अगर बढ़े हम तो आगे क्या कहानी है, आगे कहानी है हमारी ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की कहानी की अगर बात करें तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। क्या है कॉन्सेप्ट, सिंपल सा, देखो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर को हम तीन पार्ट में, तीन चार पार्ट में, कुछ पार्ट डिलीटेड है तो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट नहीं आ रहा है, लेकिन नजर उस पर दौड़ा के रखना कि अलग अलग बेसिस पर अलग अलग क्लासिफिकेशन है। कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स जरूरी क्यों है, इंडिस्क्रिमिनेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल, मतलब जब इंडिस्क्रिमिनेट यूज हो रहा है, रिसोर्सेज का डिप्लीशन हो रहा है, नॉट्स में सोसाइटी डिवाइड हो रही है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस निकल के आ रहे हैं, उसी के चलते क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया आता है, एजेंडा 21 वगैरह बहुत सारी चीजें। तो अब उसी के चलते क्या है कि हमें रिसोर्स प्लानिंग करना चाहिए, क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड भी है, एक जगह पे कोई रिसोर्स है उसकी जरूरत दूसरी जगह पे भी पड़ सकती है, तो रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है। इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है, तो थ्री स्टेप रिसोर्स प्लानिंग, आइडेंटिफाई करना, ठीक है, प्रॉपर डेवलपमेंटल प्लान इवॉल्व करना, और रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मिलाना, ये सारा सब कुछ। इसी के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखेंगे कि कंजर्वेशन की बात की गई है, महात्मा गांधी क्या कंजर्वेशन का आइडिया देते थे, प्रोडक्शन बाय मासेस, ठीक है, होना चाहिए, मास प्रोडक्शन को रिप्लेस करके, वो सारा सब कुछ हो गया। अब ये वाले पूरे पार्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है चैप्टर का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आता है लैंड एज अ रिसोर्स। लैंड एज ए रिसोर्स की अगर हम बात करें तो यहां पे आपको लैंड यूटिलाइजेशन के बारे में बताया गया है कि इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। तो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के बाद में आप देखेंगे तो फिर क्या है, बैरन लैंड है, बैरन लैंड के बाद में जैसे अगर आप देखेंगे तो लैंड फॉर नॉन एग्रीकल्चरल यूज है। तो जो सारे सब हेड्स है वो सब हेड ध्यान रखना है, उन सब हेड्स में आपको एक चीज जो ध्यान रखना है, विशेष रूप से ध्यान रखना है,
वो क्या है, वो ये है कि जैसे नेट सोन एरिया हो गया, करंट फैलो लैंड क्या हो गया, तो ये छोटी छोटी डेफिनेशंस बन के आ सकते हैं। तो लैंड यूटिलाइजेशन कैसा है, लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया कैसा है, तो आपको बताना है कि लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया जो है तो उसमें फॉरेस्ट एरिया डिक्रीज हुआ, रिड्यूस हुआ क्या, मतलब इस तरह से क्वेश्चन कब आते हैं, लेकिन एक रेफरेंस रखना है आपको कि लैंड यूटिलाइजेशन पैटर्न इन इंडिया कैसा है और फिर लैंड डिग्रेडेशन कंजर्वेशन मेजर्स। तो जो डिग्रेडेशन के कारण है वही कारण के पैरेलल में आपको कंजर्वेशन मेजर्स बताना होंगे। डिग्रेडेशन के कारण क्या है, तो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जैसे, ठीक है, माइनिंग एक्टिविटीज है, ओवर ग्रेजिंग है, ओवर इरिगेशन है। कंजर्वेशन मेजर्स क्या रहेंगे कि ओवर इरिगेशन को कंट्रोल करो, ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करो, डिफॉरेस्टेशन से अगर डिग्रेडेशन हो रहा है तो अफॉरेस्टेशन किया जाए। ये सारी चीजें आपको लैंड एज ए ब्रॉड कैटेगरी में ध्यान रखना है। अब लैंड एज ए रिसोर्स तीन, देखो ये ऑटो है, ठीक है, ये जो चैप्टर है हमारा ऑटो है, कंसेप्ट हो गया, लैंड हो गया, लैंड के बाद में सॉइल की अगर बात करें, तीसरा पिलर जो है सॉइल एज ए रिसोर्स की बात करता है। सॉइल एज ए रिसोर्स की बात करता है तो सॉइल का क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखना है कि सॉइल के जितने भी क्लासिफिकेशन है, तो एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल के बाद में एरिड सॉइल हो गया आपका, फिर आपका फॉरेस्ट सॉइल हो गया, तो ये सारी सॉइल्स ध्यान रखना है। अब इतनी सारी सॉइल कैसे ध्यान रखेंगे, तो लेट मी टेल यू सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। जैसे जो जो टिपिकल इशू है ना कि सारे सॉइल कैसे ध्यान रखें, आई हैव मेड द वीडियो ऑन दिस, ठीक है, आपको एक चार्ट दूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, आपको पूरा समझ में जाएगा। पैटर्न ध्यान रखना है कि कौन सी सॉइल कहां पाई जाती है, उसका कंपोनेंट क्या है, कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, कोई स्पेसिफिक फैक्टर है क्या, तो इन चीजों पर हर सॉइल को ध्यान में रखना दिमाग में, ठीक है। फिर आप बात करते हैं सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन की। सॉइल इरोजन के कारण क्या है, तो जैसे आप देखेंगे विंड इरोजन होता है, वाटर के कारण इरोजन होता है, गलीज क्रिएट होती है, चंबल रीजन में उसे रवाइन बैडलैंड्स कहा जाता है, सारा सब कुछ। कंजर्वेशन की टेक्निक, तो कॉन्ट्रोल प्लगिंग हो गया आपका, फिर टेरेस फार्मिंग हो गया, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गया, टेरेस उसके बाद में टेरेस फार्मिंग हो गया, तो ये सारे कंजर्वेशन के टेक्निक्स। तो इस तरह से ये चैप्टर आपका पूरा ऐसा कसा हुआ चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कंप्लीट स्वाहा। आगे बढ़ते हैं, आगे करते हैं क्या पूर्णाहुति देने के बाद में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब इसमें भी क्या है, इसमें भी कुछ केची चली हुई है, थोड़ा सा नपातुला चैप्टर है, लेकिन जो डिलीट हो गया उसको छोड़ना नहीं है, एक रेफरेंस जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आप देखोगे प्रैक्टिस पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया था, सैंपल पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ गया था ऑब्जेक्टिव, जिसमें वो जो IUCN के क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन सा जानवर किस कैटेगरी में आता है वो पूछ लिया था, तो एक रेफरेंस ध्यान में रखना, ठीक है। अब आते हैं कॉजेज फॉर दी फियरफुल डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फियरफुल डिप्लीशन जो हो रहा है फ्लोरा एंड फौना का, वो क्यों हो रहा है, ठीक है, तो उसमें आप बताएंगे कॉलोनियल रीजंस रहे, डेवलपमेंटल रीजंस रहे, ह्यूमन एक्टिविटीज रही है, उसका बायोलॉजिकल के साथ साथ में सोशल, मतलब इन्वायरमेंटल बायोलॉजिकल इंपैक्ट के साथ साथ में सोशल इंपैक्ट भी है, कि पॉवर्टी बढ़ रही है, विमेन के ऊपर इंपैक्ट हो रहा है नेगेटिव, वो पूरा पार्ट यहाँ पे एक थ्योरी के कंटेक्स्ट में आपको ध्यान रखना है कि कॉजेस क्या रहे हैं फियरफुल डिप्लेशन के और उसका इफेक्ट क्या है। फिर समस्या भी नहीं, पूरे साल भर भी यही बताया, अभी भी बताऊंगा कि समस्या भी नहीं, समाधान पे फोकस करेंगे। समाधान क्या है, तो कंजर्वेशन किया जाए फॉरेस्ट का और वाइल्ड लाइफ, तो कंजर्वेशन जरूरी है और उसी कंजर्वेशन के लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, जिसमें स्पीशीज ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाए गए, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एस्टैब्लिश किए गए, ये सारा सब कुछ। और जैसे जो अलग अलग स्पीशीज ओरिएंटेड प्रोग्राम चलाए गए, तो उसमें प्रोजेक्ट टाइगर क्या था, टाइगर को कीटोन स्पीशीज मान के पूरे प्रोटेक्शन की बात की गई, तो वो आपको ध्यान रखना है। फिर अगर आगे बढ़े इधर, तो अब क्या है कि कंजर्वेशन हो गया और कंजर्वेशन के लिए ही उसमें आपको क्या देखने को मिलता है, कि जो फॉरेस्ट एरिया है पूरा उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसके अलग अलग टाइप्स बनाए गए, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मिलकर क्या बनते हैं, परमानेंट फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट वो जिसमें अंदर मोस्ट वॉल्यूबल टिम्बर वगैरह है, जिसे रिजर्व कर दिया गया है, जिसको ओपन टू ऑल वाले यूज में नहीं रखा है। प्रोटेक्टेड वो कि जिसका डिप्लीशन हो गया है, ठीक है, तो सब प्रोटेक्शन की जरूरत है। अनक्लास फॉरेस्ट फॉरेस्ट पीपल के लिए है, जो फॉरेस्ट डिपेंडेंट कम्युनिटीज है उनके लिए है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा पार्ट। फिर आगे बढ़ाकर कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, तो अब लास्ट में आपको ये बताया गया है कि कम्युनिटी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग एफर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप क्या देखेंगे, बेरादेव दाकव सोनचुरी के बारे में आपको जानने को मिलता है। आप जैसे देखेंगे तो क्या है कि कम्युनिटी के लोग, फॉर एग्जाम्पल चिपको मूवमेंट की बात कर लो, आप बात कर लो नवधनिया बीज बचाओ आंदोलन की, आप बात कर लो ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, वो पूरी कहानी कि अलग अलग कम्युनिटीज के द्वारा क्या एफर्ट्स किए गए हैं कंजर्वेशन के लिए, वो वाला पार्ट। लास्ट में एक सैक्रेड ग्रुप्स की भी कहानी है, जहां पे आपको क्या देखना होगा कि व्हेन पीपल एसोसिएट दी सैक्रेड क्वालिटीज टू दी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, और उसी के चलते क्या है कि जब आप पूजा करने लगते हो, सैक्रेड क्वालिटीज एसोसिएट करने लगते हो वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ से, तो आप उनको प्रोटेक्शन करते हो, तो सैक्रेड ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट, विच इज वेरी यूनिक इन इंडिया। दिस वॉज दी चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। आगे बढ़े अगर, तो वाटर रिसोर्सेज चैप्टर है। वाटर रिसोर्सेज की अगर बात करें, तो वाटर रिसोर्सेज में क्या है, देखो वाटर स्कैर्सिटी की अगर बात करें, तो वाटर, देखो वाटर रिसोर्सेज चैप्टर हमारा चालू ही ऐसा होता है कि इंडिया में आप देखेंगे तो वाटर एवरीवेयर बट नॉट अ सिंगल ड्रॉप टू ड्रिंक। पानी बहुत है, लेकिन वो पानी सब पीने योग्य क्या, नहीं।
ठीक है, पीने योग्य और यूजफुल वाटर जो है तो बहुत लेस क्वांटिटी में है, ठीक है, और कम है, ठीक है, हमारी नीड के हिसाब से नहीं है हमारे जितना चाहिए, इसीलिए क्या है, इसीलिए उसके कंजर्वेशन की जरूरत है, कंजर्वेशन इसीलिए जरूरी है पैरेलल टू दैट। अब उसके कॉजेस क्या है वाटर स्कैर्सिटी के, तो देखो वाटर स्कैर्सिटी के कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, अब आप इसमें ओवर इरिगेशन, अर्बनाइजेशन, मतलब ये क्या हो गया, ये क्वांटिटेटिव कॉजेस हो गए कि क्वांटिटी इस कारण कम पड़ जाती है क्योंकि ओवर इरिगेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन है, बड़े बड़े हाउसिंग हाउसेज है, पॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन क्वालिटी की अगर बात करें तो क्या कि जितना पानी है हमारे पास वो भी क्या है, वो भी पीने योग्य नहीं है, उसमें अगर पॉल्यूशन है तो वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट भी है। कॉज बताया और कॉज के पैरेलल में कंजर्वेशन की क्या जरूरत है, तो वाटर स्कैर्सिटी उसके कॉजेज और कंजर्वेशन की क्या जरूरत है। अगर आगे बढ़े तो आगे कहानी आती है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स की, ठीक है। अब ये चैप्टर भी ऑटो है, तीन टायर, ठीक है, तीन पिलर्स पर टिका हुआ है। तो आपने वाटर स्कैर्सिटी उसके कॉज कंजर्वेशन की बात कर ली, फिर आता है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। अब क्या है इस चैप्टर में मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है। मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट क्या होते हैं कि वो प्रोजेक्ट्स, वो डैम्स जिनका मल्टीपल यूजेस होते हैं और इसी कारण से वो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स कहलाते हैं, इंटीग्रेटेड वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कहलाते हैं। जैसे जैसे आप क्या देखेंगे कि इरिगेशन, इरिगेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करना, ये सारे काम आपको डैम्स के थ्रू होते देखने को मिलते हैं। डैम क्या है, जब आप एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं फ्लोइंग वाटर के सामने तो वो डैम बनता है, ठीक है। अब ये मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट जो है तो इनके बहुत सारे एडवांटेज है, इसी के चलते इन्हें टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा गया है। किसके द्वारा, ये आप कमेंट सेक्शन में देखो। आप ये पूछ रहे हो कि सर ऑब्जेक्टिव की अलग तैयारी करें, सब्जेक्टिव की अलग करें क्या, नहीं, प्रिपरेशन तो इंटीग्रेटेड वे में ही जाएगी आपकी। आपको अप्रोच अपनी ऐसी रखना होगी कि आप जब एक चीज पढ़े तो सारा सब कुछ कवर होता चले। तो ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ही निकल के आते हैं कि जहां एनसीईआरटी में पढ़ते समय आपको ऑब्जेक्टिव ध्यान आ रहा था वो क्लियर रखना है दिमाग में कि ये सवाल बन के आ सकता है एक नंबर का, ठीक है। तो ये हो गया, अब मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिस देखेंगे तो, और आज की चीज नहीं है, सिंस एंशियंट टाइम आपको क्या देखने को मिलता है, हमारे यहाँ अलग अलग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स रहे हैं। तो आप बात कर लो चाहे हौज खास की, आप बात कर लो भोपाल लेक की, आप बात कर लो मौर्यन एम्पायर के टाइम पीरियड की, हर समय कहीं ना कहीं आपको क्या है, एंशियंट हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स देखने को मिले हैं। इसका पॉजिटिव मैंने बता दिया आपको, अब नेगेटिव भी है। लेकिन नेगेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है कि डैम जो है तो डैम के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डैम के कारण आपको जिस देखने को मिलेगा तो रिवर बेड जो है तो वो क्या हो जाते हैं, रिवर बेड्स आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ द सेडिमेंटेशन, स्पॉनिंग एनिमल्स के लिए दिक्कतें क्रिएट होती है, वाटर बॉर्न डिसीजेस होती है, अर्थक्वेक जो होते हैं तो कह सकते हैं डैम इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स देखने को मिलते हैं, वेजिटेशन वाइल्ड लाइफ पे डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और इसी के चलते क्या है वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म भी है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का, वो उसका नेगेटिव हो गया। अब क्या है, तो पानी की तो जरूरत रहेगी ना, उसको फिर कैसे फुलफिल किया जाए, तो अल्टरनेटिव आता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है, उसी के अंदर क्या होता है कि रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक टाइप है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलग अलग तरीके हैं जो आपको देखने को मिलेगा कंट्री में, अलग अलग तरह से प्रैक्टिस किए जाते हैं। जैसे इनंडेशन चैनल्स इन बंगाल वाला रीजन हो जाएगा, खादिन जोहाद भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक एग्जांपल है। जैसे आप देखेंगे तो गुल्स एंड कुल्स भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक एग्जांपल है, और रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक एग्जांपल है, जहां पे छत पे जो पानी गिर रहा है उसको पीवीसी पाइप की मदद से नीचे लाया जाता है और स्टोर किया जाता है। तो ये अलग अलग रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स है जिन्हें आपको ध्यान रखना है। बैम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में बताया गया है, किस स्टेट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया गया है, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को वो बताएंगे। टंका सिस्टम इन राजस्थान वगैरह जिसमें पलार पानी इस्तेमाल किया जाता था, अब वो डिक्लाइन पे है, लेकिन गेंदाथुर और कुछ स्टेट जिसका मैंने नाम आपको पूछा है कमेंट सेक्शन के लिए, वो सारी चीजें अभी भी प्रैक्टिस की जाती है, ठीक है। तो ये पूरा चैप्टर वाटर रिसोर्सेज तीन पिलर्स पर बेस्ड था। अगला चैप्टर है एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर चैप्टर में भी कहानी समझो क्या है कि एग्रीकल्चर चैप्टर के एक पार्ट में आपको टाइप्स ऑफ फार्मिंग बताया गया, प्रिमिटिव इंटेंसिव और कमर्शियल। पुराने तरीके से स्लैश एंड बर्न फार्मिंग को जब प्रैक्टिस किया जाता है, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे निमोनिक्स टू लर्न द डिफरेंट प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, तो आपको निमोनिक्स मिल जाएंगे कि जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग कंट्रीज में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को क्या कहा जाता है, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो। हर वो चीज जो आप सोच रहे हो कि आपको पढ़ने की जरूरत है ना, मैंने उस पर वीडियो बना चुका हूं। ऑल वॉट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू जस्ट सर्च दैट थिंग एंड यू विल गेट दैट वीडियो, फाइन। तो अब जैसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की अगर बात करें तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आपको क्या देखने को मिलता है कि जहां पे लैंड साइज होल्डिंग राइट ऑफ इनहेरिटेंस के चलते कम होते जा रही है, एग्रीकल्चरल लैंड पे इंटेंसिव प्रेशर होता है और वहां पे जो फार्मिंग होती है वो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग क्या होता है, जो मॉडर्न इंडस्ट्रियल लाइन पे किया जाता है, एक तरह के क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। प्लांटेशन फार्मिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो ये पूरा टाइप्स ऑफ फार्मिंग के पार्ट में आ जाएगा, ये पूरा टाइप्स ऑफ फार्मिंग के पार्ट में आ जाएगा। तो ये हमारा टाइप्स ऑफ फार्मिंग हो गया। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बाद में अगला पार्ट जो है तो क्रॉपिंग पैटर्न। तो रावी खरीफ जैद, आपके स्कूल के एकेडमिक सीजन से ध्यान करो, क्या होता है कि विंटर क्रॉप रावी,
तो विंटर में सो किया जाता है, ब्राइट सनशाइन के टाइम पे हार्वेस्ट किया जाता है। पानी कहां से मिलता है? तो ट्यूबवेल्स, कैनल्स वगैरह से। क्रॉप के एग्जांपल ध्यान रखना, ग्राम, वीट वगैरह। खारिफ की बात करें तो खारिफ क्या होता है? विद द ऑनसेट ऑफ मॉनसून जो क्रॉप सो की जाती है, अक्टूबर नवंबर में हार्वेस्ट की जाती है। पानी रेनफॉल से मिलता है। क्रॉप्स, वाटर इंटेंसिव क्रॉप जैसे सोयाबीन हो गया, आपका राइस हो गया। जेड, शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन होता है जो गर्मियों में मतलब मार्च अप्रैल में सो किया जाता है और मई में हार्वेस्ट कर दिया जाता है। वाटरमेलन, मस्कमेलन, वेजिटेबल्स, जेड क्रॉप हो जाती है। तो ये आपको सिंपल ध्यान रखना है। पांच नंबर का क्वेश्चन ये टॉपिक में जो मैंने आपको 30 सेकंड में बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़े तो मेजर क्रॉप इस चैप्टर का मेजर पार्ट है। तो मेजर क्रॉप्स में ग्रेन्स की अगर बात करें तो जैसे राइस, वीट। अब मैंने अगेन कि इन सारी क्रॉप को कैसे ध्यान रखें, तो हर क्रॉप का क्रॉपिंग सीजन ध्यान रखो, हर क्रॉप की क्लाइमेट, रेनफॉल, हर क्रॉप का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट और क्रॉप का कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है क्या। तो ये पैरामीटर्स पे हर क्रॉप को नाप दो, ठीक है। तो ग्रेन्स की बात करें तो राइस, वीट, पल्सेस, मिलेट्स, ये सारा सब कुछ हो जाएगा ग्रेन्स में, ठीक है। ज्वार, बाजरा, मतलब ये ज्वार, बाजरा, रागी, मेज, पल्सेस, ये सारा सब ग्रेन्स में। अदर देन ग्रेन्स की अगर बात करें तो अदर देन ग्रेन्स में आपकी क्रॉप्स में क्या आ जाएगा, ठीक है। तो ये फूड क्रॉप्स की बात कर रहे हैं हम अभी। तो अदर देन ग्रेन्स में जैसे शुगर केन हो गया आपका, अदर देन ग्रेन्स में आपका ऑयल सीड्स हो गए। तो ये सारा आपको टी, कॉफी, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ये अदर देन ग्रेन्स में पैरामीटर वही रहेंगे हमारे। फिर नॉन फूड क्रॉप्स की बात करें तो नॉन फूड क्रॉप्स में आपके क्या जाएंगे, रबर आ जाएगा, कॉटन आ जाएगा, जूट आ जाएगा। तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, रेनफॉल, टेम्परेचर, कोई एक्स फैक्टर है क्या उस क्रॉप का, और सीजन कौन सा है, रबी है, खरीफ है, क्या है। तो इन पैरामीटर्स पे हर क्रॉप को आप ध्यान रख सकते हो। उसके बाद में जैसे अगर आगे बढ़े थोड़ा सा, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स की अगर बात करें तो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या बताया गया इस चैप्टर में, कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जहां आधा देश, आधे से ज्यादा देश हमारा काम कर रहा है, वहां पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है और उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समय समय पे प्रयास किया गया। तो इंडिपेंडेंस के बाद में लैंड रिफॉर्म, जमींदारी एक्ट, अबॉलिशन ऑफ जमींदारी और ये सारा सब कुछ लाया गया, ठीक है। लेकिन उससे उतना इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो उसके चलते क्या, उसके चलते आप देखेंगे 1960s, 70s में ग्रीन रेवोल्यूशन पे फोकस किया गया, ऑपरेशन फ्लड चलाया गया, व्हाइट रेवोल्यूशन पे फोकस किया गया, लेकिन उससे डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो अनइवन रहा। फिर कॉम्प्रिहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम 1980s में लाया गया, 80s 90s में, जिसके चलते वेदर बुलेटिन, एमएसपी, पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस स्कीम पैस वाला जो था, फिर उसी के साथ साथ में मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सारी चीजें इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर के ग्रोथ के लिए फोकस की गई। लास्ट जैसे अगर आप देखेंगे तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। तो लोग बहुत काम कर रहे हैं लेकिन उतना आउटपुट में मतलब उतना कंट्रीब्यूशन नहीं है। और इसी ऑब्जेक्टिव के साथ में जैसे आप देखेंगे तो एनएमसीसी नहीं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर आईसीएआर को स्टैब्लिश किया गया था कि वो जेनेटिक मतलब आईसीएआर को फोकस किया गया था कि एनिमल ब्रीडिंग पे, क्रॉप के डाइवर्सिफिकेशन पे, इन सारी चीजों पे फोकस करें। लेकिन समस्या ये है कि जो फॉरेन कंट्रीज हैं तो वो अपने कह सकते हैं क्या है, फार्मर्स को सब्सिडी देते हैं और हमारे फार्मर्स को हम उतनी सब्सिडी नहीं दे पाते, इस कारण से थोड़ा कॉम्पिटिटिव नहीं होता इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। अब पॉइंट ये है कि क्या इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट अगर मार्केट में अपनी डोमिनेशन नहीं बना पा रहा तो उसकी क्वालिटी खराब है? क्वालिटी खराब नहीं है, क्या है कि हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ फार्मर्स का साइज बहुत ज्यादा, नंबर ऑफ फार्मर्स ज्यादा है इस कारण से, और हम सब ग्रेन्स को ग्रो कर रहे हैं तो ग्रेन्स उतना एडवांटेजियस नहीं है, उतना प्राइस सीकिंग नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन के टाइम पीरियड में हमें इस चीज पे फोकस करना होगा कि अब हमें ग्रीन रेवोल्यूशन ने चलो प्रोडक्शन बढ़ाया था, लेकिन अल्टरनेटिव जीन रेवोल्यूशन होना चाहिए, हाई वैल्यू क्रॉप्स पे फोकस करना चाहिए, वो ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट रहेगा। तो ये पूरा चैप्टर में इन्हीं सारे टॉपिक्स के इर्द गिर्द बात की गई है। दिस वॉज दी एग्रीकल्चर चैप्टर। आगे बढ़े अगर तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, अगला चैप्टर आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। इस चैप्टर में क्या बताया गया, देखो तो मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज की अगर बात करें तो बेसिक्स ध्यान रखना है कि मिनरल्स क्या होते हैं। तो हम नेचुरली अकरिंग होमोजेनस सब्सटेंस, ठीक है, डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, वो आपका मिनरल हो गया। अब मिनरल के अकरेंस के अलग अलग तरीके होते हैं, लेयर्स बेड में पाए जाते हैं, ठीक है, वेन्स एंड लोड्स में, लेयर्स और बेड में पाए जाते हैं। अब इनके एग्जांपल भी ध्यान रखना कि लेयर्स और बेड में जैसे कोल पाया जाता है, रेसिडुअल मास ऑफ वेदर्ड मटेरियल के फॉर्म में आपको बॉक्साइट मिल जाएगा कि ऊपर छूटा हुआ पड़ा है। फिर आपको क्या देखने को मिलता है कि मोड ऑफ अकरेंस की अगर बात करें तो मिनरल्स आपके जो मोड ऑफ अकरेंस एक और रहेगा, वो क्या रहेगा कि हाँ प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में, प्लेसर डिपॉजिट के फॉर्म में जो रिवर वैली वगैरह होती है, तो गोल्ड, सिल्वर वगैरह वहां आपको ऐसे मिल जाएंगे मोड ऑफ अकरेंस। फिर उसके बाद में आप बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, तो मिनरल्स का कंजर्वेशन बहुत ज्यादा नहीं, अभी एक चीज और रह गई, मोड ऑफ अकरेंस में एक
ओशियन के वाटर में भी आपको मिल जाएगा। अब इंडिया में जो मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जैसे प्लेटू वगैरह वाले रीजन में मिनरल बहुत है, नदर्न प्लेन इज डिप्राइव्ड ऑफ इट, ठीक है। तो मिनरल का डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो वो भी क्या है, अनइवन है कंट्री में, ठीक है। अब मिनरल्स जो है तो कौन कौन से, कंजर्वेशन पे जाने से पहले अगर देखें तो वेरियस टाइप ऑफ मिनरल्स, चैप्टर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स दो पार्ट में है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल्स की अगर बात करें हम, तो वेरियस टाइप्स ऑफ मिनरल क्या है, देखो फेरस मिनरल्स होते हैं, नॉन फेरस होते हैं, एक सेकंड कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है। तो यहां पे क्या आपको देखने को मिल रहा है कि एक मेटालिक मिनरल्स होते हैं, ठीक है, मेटालिक मिनरल्स जो होते हैं, तो मेटालिक में फेरस और नॉन फेरस होते हैं। फेरस और नॉन फेरस मतलब क्या है कि मेटालिक के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे मिनरल होते हैं, कुछ ऐसी धातु होती है जिनके अंदर लोहा होता है, तो आयरन ओर हो गया, मैंगनीज हो गया, तो ये मेटालिक फेरस मिनरल्स हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है, जैसे हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, आयरन ओर वगैरह जो ये सारा सब कुछ हो गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, मैंगनीज एक फेरस मिनरल होता है। फिर आप मतलब ये सिर्फ एक ओवरव्यू ध्यान रखना है, मैप के परस्पेक्टिव से ध्यान रखना है। मैप वर्क का मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो दे चुका हूं, जिसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मैप में क्या क्या आने वाला है। 30-38 मिनट का वीडियो है, उसको देखना, उससे बाहर मैप में कुछ नहीं आएगा। वो पांच नंबर तो पहले सिक्योर करो, ठीक है, वो पांच नंबर तो पहले सिक्योर करो। मेटालिक मिनरल्स हो गया आयरन और मेटालिक मिनरल्स में फेरस में आयरन और मैंगनीज हो गया, नॉन फेरस में कॉपर हो जाएगा आपका, बॉक्साइट हो जाएगा आपका। कॉपर और बॉक्साइट जो है, तो जैसे कॉपर की इंडिया में कमी है, खेतरी माइंस वगैरह में मिलता है। फिर उसके बाद में बॉक्साइट की बात करें, तो बॉक्साइट क्या है, बॉक्साइट जो है तो एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है, ठीक है, वो ध्यान रखना है। फिर नॉन मेटालिक मिनरल्स में जैसे माइका हो गया, जिसका इंडस्ट्रियल यूज है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री वगैरह में, और रॉक मिनरल में लाइमस्टोन। अब ये सारा सब कुछ पढ़ने के बाद आपको समझ में आया कि मिनरल्स बहुत जरूरी है, और लेकिन मिनरल्स क्या है, तो मिनरल्स बहुत स्लो रेट ऑफ रिप्लेनिशमेंट होता है, ठीक है, और मिनरल्स का कंजम्पशन बहुत तेजी से हो रहा है, इसके लिए उसका कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। रीयूज, रिसाइकल किया जाए, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जाए, वेस्टेज को कम किया जाए, ये मिनरल वाला पूरा पार्ट हो गया। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी रिसोर्सेज क्या है, तो एनर्जी रिसोर्सेज में भी कुछ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, कुछ नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मतलब क्या, जो पुराने समय से पुराने तरीके से रिसोर्सेज का इस्तेमाल चला आ रहा है वो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो अब कोल भी जैसे आप देखेंगे तो पीट, फिर उसके बाद में जो अलग अलग क्लासिफिकेशन से कोल के, वो ध्यान रखना एज के हिसाब से। जैसे अगर आप देखोगे तो कोल का क्लासिफिकेशन एज के हिसाब से क्या है, एज के हिसाब से देखोगे तो आप एक गोंडवाना कोल हो गया आपका, और एक टर्शरी कोल हो गया, 200 मिलियन ईयर अगो ओल्ड वाला हो गया, 55 मिलियन ईयर अगो ओल्ड वाला हो गया, ठीक है। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम एक इंपॉर्टेंट नोडल एजेंसी की तरह कंसीडर किया जाता है, जो दूसरी एजेंसीज को सपोर्ट करता है। नेचुरल गैस की बात कर लो, इलेक्ट्रिसिटी जो है तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो हर एक टॉपिक का आपको पॉइंट्स कनेक्ट करना होंगे, यहां पे जहां शब्द आ रहा है आपके दिमाग में पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए। आगे बात करें क्या है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसे रिन्यूएबल कहा जाता है, जो कि फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेज हैं। फ्यूचर एनर्जी रिसोर्सेज में क्या है, न्यूक्लियर, सोलर, विंड, बायोगैस, टाइडल एंड जियोथर्मल, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जो है अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और आपको एनर्जी ऑब्टेन हो रही है फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी की मदद से, सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी जो है तो विंड मिल्स से आप विंड एनर्जी ऑब्टेन कर रहे हो। बायोगैस की अगर बात करें तो बायोगैस क्या है कि बायोगैस यानी कि जो बायो वेस्ट है, क्या उसमें आप क्या कह सकते हो, एनिमल वेस्ट हो गया और ये सारा सब कुछ, उसकी मदद से आप क्या कर रहे हो, बायो एनर्जी जो है डेवलप कर रहे हो। उससे आप कहीं ना कहीं आप जैसे गोबर गैस प्लांट्स वगैरह, जो ट्विन प्रॉब्लम्स है, ट्विन बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, एक तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वेस्ट का, और दूसरा आपके लिए फर्टाइल मैन्योर मिल जा रहा है खेतों के लिए, ठीक है। टाइडल एनर्जी जो समुद्र के अंदर जो लहरें उनसे बनाई जा रही है, और जियोथर्मल एनर्जी मतलब हीट ऑफ द अर्थ इज यूज्ड, तो पुगा वैली, ठीक है, पुगा वैली लद्दाख, ये आपको ध्यान रखना, जियोथर्मल एनर्जी के वर्किंग प्रोजेक्ट्स वगैरह है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो कंजर्वेशन का भी बड़ा सिंपल सा फंडा है, क्या कि रिसोर्सेज स्कार्स हैं, ठीक है। अब क्या हो रहा है, और जिस तरह से आप देखेंगे तो हमें शिफ्ट करना पड़ेगा नॉन रिनेबल या फिर रिनेबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज की तरफ, ताकि हम क्या कर पाए, फ्यूचर में हमारी एनर्जी नीड्स को कंज्यूम कर पाए। एंड द लास्ट स्टेटमेंट एज यू पीपल नो इज द फेवरेट वन, क्या कि एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड। तो आप जितना बचा लोगे उतना ही आपने प्रोड्यूस कर लिया। इस कंटेक्स्ट में कंजर्वेशन एनर्जी का जरूरी है। एंड मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो देखो वही चैप्टर जो है, तो उसमें मेन थ्योरी पार्ट देख लो और एक पूरा क्लासिफिकेशन वाला पार्ट देख लो। मेन थ्योरी पार्ट यहीं से स्टार्ट होता है, क्या मेन थ्योरी पार्ट आपका स्टार्ट होता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है। मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि मतलब आप रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको ये ध्यान देना है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर रहा है, इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, प्रॉस्पेरिटी कंट्री में आ रही है क्योंकि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, वैल्यू एडिशन हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स जो है ये पांच नंबर के क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ध्यान रखना है। फिर बात करें क्या कि
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों हाथ में हाथ डाल के कैसे जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो वो व्हेन कंपेयर्ड विद अदर साउथ एशियन कंट्रीज इट इज नॉट अप टू द मार्क। 30-35% जहां दूसरे देशों में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे यहां मात्र 17% है और इसे बढ़ाना होगा। इसे बढ़ाना है इसी के लिए क्या है कि हमें डिजायर्ड एनुअल ग्रोथ रेट को 12% से अचीव करना होगा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, और उसी को अचीव करने के लिए एनएमसीसी का फुल फॉर्म आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। एनएमसीसी को एस्टैब्लिश किया है, वो कंट्रीब्यूशन है इंडस्ट्रियल लोकेशन। अब देखो इसमें कुछ टॉपिक उड़े हुए हैं लेकिन आपको एक रेफरेंस सब पे ध्यान रखना है। इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या है कि वो आइडियल लोकेशन आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो जहां रॉ मटेरियल, लेबर, फिर मार्केट, मार्केट के साथ साथ में ट्रांसपोर्टेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज अवेलेबल होगी, वो एक आइडियल इंडस्ट्रियल लोकेशन कहलाती है। ठीक है, अब इतना सब कुछ हो गया, अब उसके बाद में क्लासिफिकेशन आ जाता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये आपने इंडस्ट्री के बेसिक समझ लिए, अब क्लासिफिकेशन समझ लो। तो इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई अलग अलग बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी में किया जा सकता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हो गया। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन बहुत सारे दिए हैं लेकिन चैप्टर में आपको जो एक्सप्लेन दो पार्ट किए गए वो ये किए गए कि ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, एक मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री मतलब कौन सी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करती है, जैसे इंडस्ट्रीज के नाम पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, ये तीन इंडस्ट्री है। अब हर इंडस्ट्री में मैं आपको एक रामबाण इलाज दे रहा हूं, आपको एक मैं की पॉइंटर दे रहा हूं कि क्या ध्यान रखना है। हर इंडस्ट्री में आप ये ध्यान रखना कि वो इंडस्ट्री कहीं किसी एक जगह पे स्पेसिफिकली लोकेटेड है, तो लोकलाइजेशन का कारण क्या है, चैलेंजेस क्या फेस कर रही है, कोई एक्स फैक्टर है क्या। कॉटन की बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात वाले रीजन में लोकलाइज है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कॉटन प्रोड्यूस होता है, लेबर अवेलेबल है, सारा सब कुछ। ठीक है, चैलेंजेस क्या फेस कर रही है, तो हम देखेंगे क्या है कि हमारा वीविंग सेक्टर तो मजबूत है लेकिन वीविंग मतलब स्पिनिंग सेक्टर मजबूत है लेकिन वीविंग सेक्टर मजबूत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट आपको बताई दिया, वो ध्यान रखना है। जूट का भी वही कहानी, शुगर की भी वही कहानी। आगे बढ़े अगर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की अगर बात करें हम, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री की कैटेगरी में आ गई। ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन। अब ये सारी इंडस्ट्री, तो हर इंडस्ट्री का एक एक की फैक्टर आपको की पॉइंट ध्यान रखना रहेगा। जैसे आयरन स्टील इंडस्ट्री का हुई लोकलाइजेशन, चैलेंजेस क्या फेस कर रही है, सारा सब कुछ। फिर आप एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की बात करेंगे तो एल्यूमिनियम जो रहता है तो बॉक्साइट रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, और फिर क्या होता है क्योंकि डक्टाइल है, मिलेबल है, लाइट वेट होता है, स्ट्रेंथ होती है, तो एयरक्राफ्ट वगैरह, यूटेंसिल्स वगैरह इनमें इस्तेमाल किया जाता है। केमिकल इंडस्ट्री लार्जेस्ट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दो, ठीक है, मतलब लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हुई है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से बूस्ट मिला है। सीमेंट इंडस्ट्री जो है तो गुजरात वगैरह में कंसंट्रेटेड है। फर्स्ट सीमेंट प्लांट कहां एस्टैब्लिश हुआ था, इन द कमेंट। ठीक है, तो हर एक इंडस्ट्री का ऐसे आपको की पॉइंट ध्यान रखना है, क्लियर है। अब अगर हम आगे बात करें तो इंडस्ट्रीज तो देख लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंडस्ट्रीज पोल्यूशन कर रही है, वाटर पोल्यूशन, ठीक है, थर्मल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, और उन्हीं को चैलेंज मतलब उन्हीं को चेक कैसे किया जाए, तो एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए अलग अलग जो टेक्निक्स बताई गई है, क्या अलग अलग टेक्निक्स बताई गई एनवायरमेंट के कंजर्वेशन के लिए, तो उसमें आपको वाटर कंजर्वेशन की भी बात दी गई है, एयर कंजर्वेशन की भी बात दी गई है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स और ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाए। वैसे आप देखेंगे तो नॉइस के लिए क्या है, नॉइस अब्सॉर्बिंग मटेरियल वगैरह का इस्तेमाल किया जाए, ईयर प्लग्स वगैरह दिया जाए वर्कर्स को। वाटर कंजर्वेशन पे स्पेसिफिकली प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी मेथड बताया गया है, तो वो पूरा कंजर्वेशन मेथड हो गया। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में क्या देखो, कनेक्शन बिटवीन ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सप्लाई लोकेशन पे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, डिमांड लोकेशन पे गुड्स को पहुंचाना पड़ता है। अभी सप्लाई लोकेशन और डिमांड लोकेशन पे गुड्स को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन ही क्या करता है, ट्रेड को पॉसिबल करता है। तो ट्रेड ट्रांसपोर्ट जुड़ा हुआ है। अब वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल वर्ल्ड जहां पे चीजें आपस में कनेक्टेड है, तो कम्युनिकेशन क्या करता है, इन सारे प्रोसेस को एफिशिएंट करता है। तो इस तरह से ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, आपको इस तरह से कनेक्टिविटी ध्यान रखना होगी। अब वही चैप्टर भी है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ट्रांसपोर्ट क्या है, लैंड पे होता है, वाटर पे होता है, एयर में होता है। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आपको क्या, रोडवेज के थ्रू आप कनेक्ट होते हैं, रेलवेज के थ्रू और पाइपलाइन के थ्रू। तो इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, इसको भी ग्रीन समझ लो, ठीक है। तो रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइन, ये तीन लैंड ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है। रोडवेज की अगर बात करें तो बताया गया कि रोडवेज की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आपको देखने को मिलता है सस्ता होता है, डाइसेक्ट दी अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, हायर ग्रेडियंट ऑफ स्लोप जो रहेगा वहां पे भी रोडवेज पॉसिबल है, डोर टू डोर कनेक्टिविटी। दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में फीडर का रोल प्ले करता है। मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, किसके मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, रोडवेज के। क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो रोडवेज का क्लासिफिकेशन कैसा है, रोडवेज का क्लासिफिकेशन ऐसा है
कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, सुपर हाईवेज, नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, अदर रोड्स एंड बॉर्डर रोड्स। हर रोड के क्लासिफिकेशन में दो चीज ध्यान रखना है, कहां से कहां कनेक्ट करता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कहां से कहां कनेक्ट करता है, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करें जैसे, तो क्या है, चार मेजर मेट्रो सिटीज जो उनको कनेक्ट करता है। कौन कंस्ट्रक्ट मेंटेन करता है, एनएचएआई। नेशनल हाईवेज तो एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्रीज को कनेक्ट करता है, सीपीडब्ल्यूडी जो है, तो ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट मेंटेन और ऑपरेट करता है। स्टेट हाईवेज, स्टेट कैपिटल को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से पीडब्ल्यूडी मेंटेन ऑपरेट करता है। फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवेज, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को अदर सिटीज के साथ में जिला परिषद मेंटेन ऑपरेट करता है। और फिर उसके बाद में जो अदर रोड्स है, तो वो क्या है कि विलेज रोड्स होते हैं जो कनेक्टिविटी डेवलप करते हैं विलेज की नियर बाय सिटीज के साथ में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर स्पेशल इंपीडेंस मिलता है। बॉर्डर रोड जो बॉर्डरिंग एरियाज में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, उन्हें मेंटेन ऑपरेट करने का काम होता है ब्रो का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। सिंपल एज सिंपल, बस पॉइंट ये कि आपके नजरों के सामने से वो दौड़ना चाहिए। तो क्लासिफिकेशन हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया। रेलवे की अगर बात करें हम, तो रेलवे में क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैलेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैलेंजेस की अगर बात करें हम, डिस्ट्रीब्यूशन एंड चैलेंजेस रेलवे में आपको ध्यान रखना है। रेलवे क्या है, तो कंट्री को कितनी तरह से जोड़ के रखा है, मल्टीपल एक्टिविटीज, मल्टी फेरस एक्टिविटीज के इस्तेमाल किया जाता है, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, बिजनेस के लिए, ठीक है, हर चीज में रेलवे का इस्तेमाल होता है। और रेलवे के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो फिजियोग्राफिक और इकोनॉमिक फैक्टर्स उसे इन्फ्लुएंस करते हैं। नॉर्दर्न प्लेन, सेंट्रल इंडिया, हिमालयन रीजन, तो जहां पे फेवरेबल कंडीशंस है वहां पे रेलवे का स्प्रेड ज्यादा है, जहां पे फेवरेबल नहीं है वहां पे रेलवे का स्प्रेड नहीं है। और रेलवे क्या चैलेंजेस फेस करती है, तो आपको देखने को मिलता है कि रेलवे मल्टीपल चैलेंजेस फेस कर रही है। डिलेज हो गया, थेफ्ट हो गया, डैमेजिंग टू दी प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, ये कुछ चैलेंजेस रेलवे फेस करती है, वो चैलेंजेस ध्यान रखना है, ठीक है। देखो मैं हर चीज नहीं बता रहा हूं, लेकिन आपको वो रिकॉल होना चाहिए, अच्छा ये है चैप्टर में। पाइपलाइन की बात करें तो न्यू फाउंड मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जहां पे पहले सिर्फ पानी ट्रांसपोर्ट किया जाता था, क्रूड ऑयल, मतलब क्रूड ऑयल हो गया, उसके बाद में जैसे रॉ मटेरियल के फॉर्म में वो भी आयरन और भी पहुंचाया जाता है, जैसे कुद्रेमुख माइन से क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कन्वर्टिंग इट इनटू स्लरी। पाइपलाइन का एडवांटेज है कि इनिशियल मतलब डिसएडवांटेज है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हाई होता है, लेकिन फिर एडवांटेज ये कि सब्सिक्वेंट ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, ठीक है, डिलेज वगैरह नहीं होते हैं। तो ये पाइपलाइन हो गया, ये लैंड ट्रांसपोर्टेशन खत्म। अब आते हैं वाटरवेज पे, तो वाटरवेज में भी आपको क्या देखने को मिलता है कि आपको कंट्री में वाटरवेज जो चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक है, इको फ्रेंडली है सारी चीजें। अब ट्रांसपोर्टेशन जो है, तो नेशनल वाटरवेज है, नेशनल वाटरवे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 1 और 2, जिसमें विशेष रूप से ध्यान रखना। पॉइंट्स क्या है, 1 और 2, जैसे 1 है गंगा पे है अलाहाबाद टू हल्दिया, 2 जो है ब्रह्मपुत्रा पे है, तो सादिया टू धुबरी, ठीक है। उसके बाद में 3, 4, 5 जो है, तो जैसे 3 में वेस्ट कोस्ट कैनाल हो गया, 4th जो है आपका तो क्या है ईस्टर्न कोस्ट पे हो गया, 5th जो है आपका तो ईस्ट कोस्ट कैनाल हो गया जो महानदी वगैरह वाली नदी के पास हो गया, ठीक है। 4th जो है तो पुडुचेरी और ये वाला काकीनाडा कैनाल वगैरह वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वाटरवेज हो गया। अब वाटरवेज में नेशनल वाटरवेज के बाद में मेजर सीपोर्ट्स मैप के नाम पे ये इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। मेजर सीपोर्ट्स की अगर बात करें, मेजर सीपोर्ट्स क्या है आपके, तो मेजर सीपोर्ट्स जो है, तो वेस्टर्न साइड से चालू करें अगर हम, तो मेजर सीपोर्ट्स में आपको पूरा ध्यान रखना है वेस्टर्न साइड से, क्या कि कांडला बना था कराची पोर्ट के लॉस के बाद में, ठीक है। फिर उसके बाद में मुंबई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, उसको मतलब हर पोर्ट का कुछ कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट, जैसे दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कराची पोर्ट के लॉस में बना, कांडला पोर्ट कहलाता है, पूरी ग्रेनरीज वगैरह का वो जिम्मेदारी संभालता है, मुंबई पोर्ट लार्जेस्ट पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट डी कंजेस्ट करने के लिए बनाया गया, गोवा का पोर्ट मारमागांव, ठीक है, आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट है, नीचे आए न्यू मैंगलोर कर्नाटका का, न्यू मैंगलोर जो है तो कुद्रेमुख माइन से आयरन और एक्सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद में नीचे आए तो कोच्चि पोर्ट जो है, तो आपको क्या देखने को मिलता है कि वेस्टर्न मार्जिन का सदर मोस्ट पोर्ट हो गया। टूटीकोरिन तमिलनाडु का पोर्ट, ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज को सपोर्ट करता है। ऊपर जाएंगे चेन्नई, चेन्नई जो है तो सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट, विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट। ऊपर गए पैरादीप जो है तो क्या है कि छोटा नागपुर प्लेटू से पूरे मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने में मदद करता है। ऊपर गए हल्दिया पोर्ट जो है तो डीकंजेस्ट करता है या फिर सपोर्ट करता है किसको, कोलकाता पोर्ट को, अगला कोलकाता पोर्ट जो कि एक रिवराइन पोर्ट है, दैट्स इट, ठीक है। तो इस तरह से सारे पोर्ट्स आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है, ये सारे पोर्ट्स दिए गए हैं, सारे पोर्ट्स उनके एक एक स्पेसिफिक पॉइंट्स। और एयरवेज की बात करते हैं, 1953 है आई गेस, ठीक है, नेशनलाइज किया गया किसको, 1953 में नेशनलाइज किया गया था, उसके पहले प्राइवेटाइज था, अब वापस प्राइवेटाइज है। एयरवेज जो है तो फास्टेस्ट चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट कंफर्टेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, खास करके उन एरियाज में जहां डिफिकल्ट टेरेन्स है, जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में क्या होता है कि एयरवेज कनेक्टिविटी को बेहतर करता है, ये चीज आपको ध्यान रखना होगी। फिर आगे अगर बढ़े हम, तो एयरवेज के आगे एक और पॉइंट जैसे अगर जाए हम, तो जैसे क्या होता है कि ऑफशोर सर्विसेज पवन हंस हेलीकॉप्टर प्रोवाइड करता है, तो ऐसे जो फैक्चुअल डिटेल्स है वो ध्यान रखना है, बाकी चैप्टर के ट्रांसपोर्ट वाले पार्ट में ये सारा सब कुछ दिया गया। कम्युनिकेशन की बात करें, तो पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन इन इंडिया,
पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन की बात करें तो पर्सनल कम्युनिकेशन जो वन टू वन कनेक्ट, मास कम्युनिकेशन जो ब्रॉडकास्ट करने के लिए। जैसे आप देखेंगे तो इंडियन पोस्टल नेटवर्क जो है तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क है, जहां पे स्विफ्ट मोबिलिटी या फिर डिलीवरी ऑफ मेल्स के लिए 6 मेल चैनल्स एस्टैब्लिश की गई है। फर्स्ट क्लास मेल क्या होते हैं, सेकंड क्लास मेल क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर और क्या है, तो जैसे टेलीकम्युनिकेशन, तो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क आपको इंडिया में देखने को मिल जाएगा। एसटीडी वगैरह से रिमोटेस्ट कनेक्टिविटी डेवलप करके रखी है। मास कम्युनिकेशन के नाम पे फिर आप देखोगे तो टेलीविजन है, तो दूरदर्शन कंट्री का हो गया। फिर न्यूज़पेपर जो है तो डिफरेंट 100 से भी ज्यादा डायलेक्ट्स में न्यूज़पेपर वगैरह प्रिंट होते हैं। उसके साथ साथ रेडियो जो है तो ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी गवर्नमेंट का रेडियो नेटवर्क हो गया जो कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म्स जो है, वीडियोस जो है, तो शॉर्ट फिल्म्स और ये सारा सब कुछ बनाया जाता है। सेंसर बोर्ड इन सारी चीजों को सेंसर करता है, पूरा कम्युनिकेशन वाला पार्ट है। ट्रेड में अगर जैसे देखोगे तो ट्रेड में इंटरनेशनल ट्रेड का एस्पेक्ट बताया गया। ट्रेड क्या होता है, नॉर्मली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज ट्रेड, ठीक है। अब इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें तो वो क्या होता है, व्हेन गुड्स आर बीइंग सोल्ड एंड ब्रॉट बिटवीन टू कंट्रीज, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा। अब इंटरनेशनल ट्रेड में आपको एक एस्पेक्ट देखने को मिलता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, द डिफरेंस इन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। अब यहां पे डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के आगे अगर बढ़े थोड़ा सा, तो डिफरेंस बिटवीन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के आगे अगर एक बात बढ़े तो एक फेवरेबल होता है, एक अनफेवरेबल। जब आप एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हो इंपोर्ट कम कर रहे हो, ठीक है, तो वो फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड है। जब आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो एक्सपोर्ट कम कर रहे हो तो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया। तो ये पूरा ट्रेड का एस्पेक्ट था। टूरिज्म को ट्रेड की तरह कंसिडर किया जा सकता है, कैसे, तो टूरिज्म, हाउ टूरिज्म एक्ट्स एज अ ट्रेड। तो टूरिज्म ट्रेड की तरह कैसे काम करता है, कि टूरिज्म में आपको क्या देखने को मिल रहा है, टूरिज्म में आपको ये देखने को मिल रहा है हाउ टूरिज्म एक्ट्स एज अ ट्रेड। तो टूरिज्म में आपको ये देखने को मिल रहा है कि आपको फॉरेन टूरिस्ट विजिट करते हैं, पैसे यहाँ खर्च करते हैं, हमारे हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट मिलता है, फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री में आता है, इको टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, अलग अलग टूरिस्ट अलग अलग पर्सपेक्टिव के साथ में आते हैं, एक नेशनल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। तो इस इन सारे सेंस में बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, ठीक है। तो इन सारे सेंस में टूरिज्म इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ ट्रेड। दिस वॉज द चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, स्वाहा, ठीक है, ज्योग्राफी कंप्लीट। अब सिविक्स की बारी, तो थके तो नहीं हो ना तुम, आई होप मैं अगर पढ़ाते पढ़ाते नहीं थका हूं तो तुम पढ़ते पढ़ते नहीं थकोगे। देखो ये वीडियो आपको क्या रहेगा कि आज आप देख रहे हो, आप चाहो तो जैसे आपका संस्कृत का एग्जाम है उस दिन, लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि एक दिन पूरा संस्कृत पढ़ूं, एसएसटी कहीं ना भूल जाओ, सुबह 2x पे चला दिया, तो एक घंटे से भी कम में आप पूरे चैप्टर रिवाइज कर लोगे, इजंट इट, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अगर, तो सिविक्स की बारी आती है हमारी, ठीक है। एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन सुबह देख सकते हो उस वीडियो को। अब अगर हम बात करें किस चीज की, सिविक्स की, सिविक्स में चैप्टर कौन से है, पावर शेयरिंग पहला। पावर शेयरिंग सिंपल चैप्टर है, देखो दो कंट्रीज है, बेल्जियम और श्रीलंका, उनकी कहानी आपको ध्यान रखना है बस। बेल्जियम में पावर शेयरिंग हुई थी, श्रीलंका में पावर शेयरिंग नहीं हुई थी, ठीक है। बेल्जियम का अब देखो कंपोजिशन दोनों ही कंट्रीज का सेम है, मतलब सेम इन द सेंस कि दोनों ही कंट्रीज में क्या है, यहाँ पे डच, फ्रेंच और जर्मन है, यहाँ पे सिन्हालाज और तमिल्स हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ बेल्जियम में कौन कितने कंपोजिशन है, ठीक है। 59% और 59% और 40% जो है वो कंपोजिशन ध्यान रखना है, इधर तुम्हें कंपोजिशन ध्यान रखना है, ठीक है। कहाँ कौन क्या रहता है वो पूरा कंपोजिशन ध्यान रखना है। अब बेल्जियम में अकोमोडेशन कैसे किया, तो कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार उन्होंने क्या किया, अमेंड किया, नंबर ऑफ फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर को बराबर कर दिया, सेंटर में भी स्टेट में भी, स्टेट जो है सेंटर का सबॉर्डिनेट नहीं रहेगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, वो सारा पूरा अकोमोडेशन बेल्जियम में कैसे हुआ। सवाल देखो गिनती के बनते हैं, बेल्जियम का कंपोजिशन, श्रीलंका का कंपोजिशन, बेल्जियम में अकोमोडेशन कैसे हुआ, श्रीलंका में अकोमोडेशन कैसे नहीं हुआ, तो क्या हुआ, मेजोरिटेरियनिज्म हुआ। मेजोरिटेरियनिज्म एक बिलीफ है जहां पे मेजोरिटी कम्युनिटी रूल कर रही है डिसरिगार्डिंग दी इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, वो मेजोरिटेरियनिज्म है। तो मेजोरिटेरियनिज्म श्रीलंका में कैसे हुआ, सिन्हालाज ने एक्ट पास किया 1956 में, जिसके चलते सिन्हालाज को ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हालाज को फेवर किया जाएगा एडमिशंस में, बुद्धिज्म को फॉस्टर किया जाएगा, तमिल्स ने बोला तो हम क्या देश छोड़ दें, तो दिस मेड दिस एलिनिएटेड तमिल्स, और उसी के चलते सिविल वॉर होती है, वो पूरी कहानी श्रीलंका की। इतना सिंपल ध्यान रखना है इस चैप्टर में। आगे बढ़े तो वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, अगला टॉपिक आता है जिसमें बताया गया है कि पावर शेयरिंग दो कारणों से डिजायरेबल है, एक मॉरल एक प्रूडेंशियल। मॉरल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग जो है वो बेसिक स्पिरिट है, अगर आप अपने आप को डेमोक्रेसी बोल रहे हो तो पावर तो शेयर करो भाई साहब। और दूसरा है प्रूडेंशियल, कि अगर पावर शेयर कर दोगे तो चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस हो जाएंगे, मेजोरिटी माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेट करे तो शॉर्ट रन में अच्छा लग सकता है लेकिन लॉन्ग रन में वो कंट्री के लिए घातक होगा। तो इस सेंस में पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, क्या मॉरल और पोटेंशियल दोनों रिजल्ट ध्यान रखना है। लास्ट में इस चैप्टर में आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिलता है, वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, 4 फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। कैसे, एक तो आपका हो गया हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए जिससे चेक्स एंड बैलेंस बनता है। एक हो गया वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि डिफरेंट क्या कह सकते हैं कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, स्टेट, सेंटर और
लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आपको क्या देखने को मिलता है, पावर शेयर होता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेवल पे हो गया। फिर क्या होता है, पावर आपको डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में शेयर होती है, जैसे बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट के बीच में होती है। तो वो एक एग्जांपल है हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, ठीक है। तो पावर शेयरिंग डिफरेंट लेवल्स सोशल ग्रुप्स के बीच में होती है, जो कम्युनिटी गवर्नमेंट का एक एग्जांपल आपको देखने को मिला। आगे बढ़े अगर एक कदम और, ठीक है, तो हमारी कंट्री में जैसे रिजर्वेशन एक डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग का एक एग्जांपल है। और चौथा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, कोलिजन गवर्नमेंट एक एग्जांपल होता है इसमें। क्या क्या आपको देखने को मिल रहा है कि आप पावर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में शेयर करो। तो ये आपको एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, और एक एक सब टाइप में भी बन सकता है। तो वो सारा सबको ध्यान रखना है, सिंपल चैप्टर पावर शेयरिंग। बस इससे बाहर पावर शेयरिंग में कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। अब आपको कहने को ये दो मिनट में रिविजन हुआ, लेकिन ये पूरा चैप्टर कंप्लीट बता दिया मैंने, ठीक है। आगे बढ़े अगर, तो फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट फीचर्स टाइप्स। फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि जब आप टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट रखते हो तो वो फेडरलिज्म कहलाता है। फेडरलिज्म के सातों फीचर टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म को कंट्रास्ट किया जाता है यूनिटरी से, यूनिटरी भी ध्यान रखना, ठीक है। जब क्या होता है कि पावर शेयर नहीं की जाती या फिर सेंटर डोमिनेट करता है तो वो यूनिटरी होता है। अब अगर बात करें फीचर्स की, तो फीचर्स के नाम पे क्या है, फीचर्स के नाम पे जैसे अगर आप देखोगे तो फीचर्स के नाम पे क्या है, फीचर्स के नाम पे टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, ज्यूरिसडिक्शन, एरिया ऑफ ज्यूरिसडिक्शन अलग होना चाहिए, जुडिशियरी जो होगी तो एम्पायर की तरह काम करेगी, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली होना चाहिए, डुअल ऑब्जेक्टिव होते। तो सारे फीचर्स ध्यान रखना, फीचर्स को टी की बिंदी लगा के तैयार कर दो, इस पे बार 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 हर साल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। फिर टाइप्स की अगर बात करें तो कमिंग टुगेदर, होल्डिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर जब छोटे छोटे नेशंस एक साथ मिलकर एक बड़ा यूनियन बनाते हैं वो कमिंग टुगेदर फेडरेशन कहलाता है। और जब क्या होता है, जब आपको देखने को मिलता है कि एक बड़ा यूनियन पावर शेयर कर देता है ताकि स्टेट्स को अपने साथ होल्ड करके रखे, वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन होता है। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर के कमेंट्स में आप बताएंगे, होमवर्क है आपका, कि कमिंग टुगेदर का एग्जांपल क्या, होल्डिंग टुगेदर का क्या है, ठीक है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो जरूरी नहीं कि हर चीज कमेंट में लिखा जाए, लेकिन आपके दिमाग में वो आंसर आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगर, तो इज इंडिया अ फेडरल कंट्री, तो क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ये टॉपिक देखो अगेन, ये भी क्या है, मतलब इसको ऑटो तो नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इसमें एक पिलर ये भी है चैप्टर का मेजर, लेकिन फिर भी तीन मेजर टॉपिक फिर जो आते हैं। तो क्या इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो अगर आपने सारे फीचर पढ़े हैं, ठीक है, तो वो सारे फीचर इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। टू और मोर देन टू टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, तो आप बताएंगे कि हाँ यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है। फिर उसके बाद में क्या, डिफरेंट एरियाज ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट दिए गए उन पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं। फिर क्या है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का अगर आपको एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा इंडिया में, तो स्टेट्स के पास में अनइवन पावर है, कुछ स्टेट्स को एक्स्ट्रा पावर है, कुछ स्टेट्स को कम पावर है। फिर आपको देखने को मिलता है कि जुडिशियरी है जो यूनिफॉर्म, मतलब क्या करती है, डिस्प्यूट सेटल करने का काम करती है। और फिर क्या है, प्रोविजंस जो है वो यूनिलैटरली नहीं बदले जा सकते, कुछ भी चेंज करना है तो स्टेट्स का रेटिफिकेशन लगता है, 2/3 स्पेशल मेजोरिटी, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली जस्टिफाइड है। तो यस, ऑल दीज थिंग्स मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री। अब हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया, तो तीन एस्पेक्ट ध्यान रखना है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री तो है, लेकिन किताबों में जो लिखा है उससे काम थोड़ी ना चलता है, प्रैक्टिकलिटी भी देखी जाती है। तो प्रैक्टिकलिटी में इंडिया फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करता है, तो हमने लिंग्विस्टिक स्टेट का अप्रोच अडॉप्ट किया, जहां पे लैंग्वेज के बेसिस पे हमने क्या करें, स्टेट बनाए। तो उससे तो देश विभाजित हो जाएगा, नहीं, उससे देश आसानी से काम कर पाया, सारे स्टेट्स अपनी अपनी बाउंड्री अपनी अपनी लैंग्वेज के हिसाब से बना के भी देश का एक साथ पार्ट बन के बहुत आसानी से एडमिनिस्ट्रेशन को चला पा रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज पॉलिसी हमने क्या अडॉप्ट करी, कि कोई नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस ही नहीं रखा हमने, अलॉन्ग विथ हिंदी, अलॉन्ग विथ 21 लैंग्वेजेस, तो ये टोटल 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया। इन लैंग्वेजेस की मदद से आप क्या सकते हो, कंट्री का कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम लिख सकते हो, ठीक है। और प्रमोशन ऑफ हिंदी जो होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी का इम्पोजिशन, मतलब ये है कि सारी लैंग्वेजेस को बराबर का दर्जा दिया गया है। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन, अगेन इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करवाने का एक बेहतरीन नमूना है। कैसे, कि 1991 के पहले स्थिति कुछ और थी, सेंटर और स्टेट के बीच में नहीं बनती थी, ठीक है, लेकिन 1990s के बाद में जब कोलिजन गवर्नमेंट का एरा स्टार्ट हुआ, तो सेंटर गवर्नमेंट्स के फॉर्मेशन में स्टेट गवर्नमेंट्स, या फिर कह सकते हैं स्टेट और रीजनल पार्टीज एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगी, जिससे स्टेट के इंटरेस्ट को सेंटर कंसिडर करने लगे। तो ऐसे सेंटर स्टेट रिलेशन स्ट्रेंथन हुआ है इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस इन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया की अगर बात करें, तो डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया ये वाला जो टॉपिक है, तो पहले समझो नीड क्या थी डिसेंट्रलाइजेशन की, कि लोकल गवर्नमेंट को और स्ट्रेंथन किया जाए, लोकल गवर्नमेंट को और पावर दिया जाए। और उससे होगा क्या, लोकल गवर्नमेंट को पावर देंगे तो लोकल लेवल पे क्या डिसीजन लेना है वो लोकल गवर्नमेंट बेहतर जानती, रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करना है। पहले से प्रोविजन था कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर मैं आपको बात करूं तो जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे ही प्रयास किया गया था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम,
कि लोकल लेवल पे काम किया जाए, लेकिन उतना सक्सेसफुल नहीं था। अल्टीमेटली 1990s में जाके, 1992 में जाके, ठीक है, क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन जो इंडिया में स्ट्रेंथन होता है, ठीक है, जहां पे आप नीड बता दिया मैंने, चेंजेस क्या होते हैं, तो 1992 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया, जिसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि हम मैंडेटरी कर दिया इलेक्शन करवाना, 1/3 सीट वुमेन के लिए रिजर्व कर दी, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए सीट रिजर्व कर दी है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा जो मैंडेटरी रूप से लोकल लेवल के इलेक्शन करवाएगा, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्लियरली जस्टिफाई कर दिए, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस लाए गए, फिर उसी के चलते रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश किया गया। रूरल लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या है, ग्राम पंचायत होंगी, ग्राम पंचायत मिलकर क्या मंडल परिषद या फिर ब्लॉक लेवल पे देखने को मिलेंगे, और वो सारे ब्लॉक लेवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर के जितने एक साथ मिलकर जिला परिषद बनाएंगे। जिला परिषद के चेयरपर्सन होंगे कौन, जिला परिषद के चेयरपर्सन होंगे जिला परिषद चेयरपर्सन, ठीक है। ये हो गया ग्राम सभा जो होती है, तो रूरल लोकल गवर्नमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। जो इलेक्टेड मतलब ग्राम सभा क्या होती है कि अडल्ट वोटर्स की बॉडी रहती है जो ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग को चेक करती है। अब वैसे ही अर्बन लोकल गवर्नमेंट मतलब शहरों के लिए, तो छोटे शहर में क्या होता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, नहीं म्युनिसिपैलिटीज होती है, और बड़े शहर में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है, ठीक है। तो म्युनिसिपैलिटी का हेड होता है म्युनिसिपैलिटी चेयरपर्सन, और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन होता है, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। अब ये सारा सब कुछ होने के बावजूद भी रूरल लोकल गवर्नमेंट में आप डिसेंट्रलाइजेशन में कुछ चैलेंजेस हैं, क्या कि इफेक्टिव पावर डाइल्यूट की नहीं गई है। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इलेक्टेड लोकल लेवल पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आपको क्या देखने मिलता है कि कहीं ना कहीं बोलते ना कि ग्रास रूट डेमोक्रेसी में अभी भी कमी रह गई है, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो दिस वॉज द चैप्टर फेडरलिज्म। आता है अगला जेंडर रिलीजन कास्ट, ये पक्का ऑटो है। कैसे, तो जेंडर रिलीजन कास्ट तीन पिलर पर बेस्ड चैप्टर है हमारा। जेंडर में आपको क्या बताया गया बेसिकली कि किस तरह से पब्लिक प्राइवेट डिवीजन को कंसीडर किया जाता है, कि जो पर्सनल इज प्राइवेट होना चाहिए लेकिन वो होता नहीं, क्यों, क्योंकि सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है, जहां पे विमेन को क्या किया जाता है, घर के अंदर के काम दिए जाते हैं और घर के बाहर की सारी जिम्मेदारियां पुरुष की होती है। जेंडर और सेक्स में डिफरेंशिएशन आपको यहां पे समझ में आना चाहिए, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर समझ में आना चाहिए, और उसी के चलते क्या है कि विमेन का पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेशन जरूरी है। पब्लिक स्फीयर में पार्टिसिपेशन जरूरी है, क्यों, क्योंकि विमेन बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, जैसे वेजेस में डिस्क्रिमिनेशन, हाई पेइंग जॉब्स में डिस्क्रिमिनेशन, एजुकेशन की बात करेंगे तो फैमिली प्रिफर टू हैव एजुकेशन फॉर देयर सन, ठीक है, मेल चाइल्ड के लिए एजुकेशन प्रिफर किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्स रेशियो जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो इन सारे एस्पेक्ट पे वुमेन डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है, ठीक है। और वो हमारी कंट्री में स्थिति ज्यादा कह सकते हैं गंभीर है व्हेन कंपेयर्ड विद अदर कंट्रीज, जहां पे वुमेन का पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेशन तेज है, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, वहां समस्याएं नहीं है। तो समाधान क्या है कि वुमेन के पॉलिटिकल एक्सप्रेशन को हाईलाइट किया जाए, कि वुमेन को पॉलिटिक्स में लाया जाए। अब क्या है कि आप देखेंगे तो लोकल लेवल पे तो मैंडेटरी कर दिया गया 1/3 सीट रिजर्व है, लेकिन नेशनल और स्टेट लेवल पे ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं है। बिल पास किया था लेकिन वो पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी तक, ठीक है। विमेन का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा तब विमेन अपने वर्ग के लिए बेहतर तरीके से काम कर पाएगी, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में जेंडर इश्यूज को सेंसिटिवाइज करना, पॉलिटिक्स में हाईलाइट करना इज हाईली पॉजिटिव, ठीक है। मतलब आप यहां पे सवाल आ सकता है कि पॉलिटिक्स में किसी भी तरह के डिवीजन को क्यों हाईलाइट किया जाए, लेकिन इससे पॉजिटिव है अदर सेक्स के लिए, मतलब विमेन के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। अब जेंडर के बाद में आते रिलीजन पे, तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो रिलीजन एंड पॉलिटिक्स सही है गलत है, तो महात्मा गांधी का ये कहना था कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स, लेकिन वहीं आपको देखने को मिलता है कि क्या होता है कि रिलीजन के नाम पे अधिकतर फैमिली लॉज वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रिलीजन के नाम पे आप देखेंगे माइनॉरिटीज के साथ गड़बड़ हो जाती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में रिलीजन का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल सही या गलत, तो तब तक सही है जब तक वो बेनिफिट में हो, ठीक है। तो तब तक सही है जब तक वो बेनिफिट में हो, लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ कम्युनलिज्म, जहां पे क्या देखने को मिलता है आपको, जहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि ये परसीव किया जाता है, कम्युनिज्म क्या है कि आप स्टेट की आइडेंटिटी को रिलीजन के बेसिस पर परसीव कर देते हो, वेयर बाय यू बिलीव इन दिस दैट पीपल बिलोंगिंग टू वन रिलीजन शुड हैव वन कॉमन गोल एंड इंटरेस्ट, जो एक धर्म के लोग हैं वो एक जैसा ही सोचेंगे। लेकिन कम्युनिज्म का आइडिया अपने आप में फंडामेंटली यही फ्लॉड है, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि सभी एक धर्म के लोग एक जैसा ना सोचे, और कम्युनिज्म अलग अलग फॉर्म कैसे लेता है, तो डेली थिंकिंग में कम्युनिज्म डेवलप होता है, हम दूसरे धर्म के लोगों के बारे में स्टीरियोटाइप्स बनाने लगते हैं। जो कम्युनल माइंड होता है वो अपने लोगों के ऊपर, मतलब अपने धर्म के लोगों के ऊपर पॉलिटिकल डोमिनेशन सीख करता है, ठीक है। फिर सैक्रेट सिंबल्स, कलर्स, इन सारी चीजों के बेसिस पर क्या किया जाता है, लोगों को मोबिलाइज किया जाता है। और कम्युनल का मोस्ट अगली फॉर्म ये होता है कि कम्युनल कभी कभी वायलेंस के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, मसैकर और राइट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो कम्युनलिज्म अगर समस्या है तो अगेन समस्या भी नहीं, समाधान पे फोकस करेंगे। तो समाधान क्या है कि सेक्युलर स्टेट समाधान है। अगर कम्युनलिज्म आपके लिए समस्या है तो सेक्युलर स्टेट समाधान है। सेक्युलर स्टेट समाधान कैसे है कि एक ऐसा धर्म बनाए, मतलब एक ऐसा राज्य एस्टैब्लिश किया जाए जहां सारे धर्मों को समान रूप से देखा जाए, इक्वेलिटी हो सारे रिलीजन में, इक्वेलिटी हो सारे रिलीजन में, तो वो सेक्युलर स्टेट कहलाएगा। अब कैसे होगी इक्वेलिटी, तो
जब क्या हो कि गवर्नमेंट किसी भी एक धर्म को प्रमोट ना करे, ना किसी धर्म को डिनाई करे, सबको इक्वालिटी दे टू प्रैक्टिस प्रोपगेट एंड प्रोफेस एनी रिलीजन, ठीक है, जहां जरूरत पड़े वहां पे इंटरवीन भी करे। तो सेक्युलरिज्म का जो आइडिया है वो कंट्री में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है, ठीक है। फिर आप देखोगे तो स्टेट की अगर बात कास्ट की अगर बात करें तो कास्ट अगला एस्पेक्ट है, ठीक है, तीसरा टायर है हमारे चैप्टर का कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करें तो हमारी सोसाइटी में कास्ट इनइक्वालिटीज हमेशा से रही है। क्यों रही है तो आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हेरिडिटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन रहा है, जहां पे कास्ट को इकोनॉमिक ग्रोथ से कनेक्ट किया गया है। कास्ट के बेसिस पे आप देखेंगे तो सोसाइटी बेस्ड रही है इंडियन सोसाइटी, ठीक है, एंड दिस इज वेरी यूनिक टू आर सिस्टम। इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों भी हैं कास्ट के, ठीक है। तो कास्ट और पॉलिटिक्स का रिलेशन आपको यहां समझ में आया, लेकिन विद टाइम आपको क्या देखने को मिला कि कास्ट कास्ट सिस्टम जो वो ब्रेकडाउन हुआ है। क्यों कास्ट सिस्टम के ब्रेकडाउन होने का कारण क्या है कि कास्ट रिफॉर्मर्स ने आवाज उठाई है, जैसे ज्योतिबा फुले, ठीक है, ईवी रामास्वामी नायकर, बी आर अम्बेडकर। साथ ही साथ आपको देखने को मिलता है कि जैसे सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हुआ है, अर्बनाइजेशन, फिर ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी और इन सारी चीजों के चलते कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन हुए कहीं ना कहीं, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं जिनके चलते कास्ट सिस्टम ब्रेकडाउन हुए, जैसे अनटचेबिलिटी को बैन कर देना। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, उसके बावजूद भी जैसे देखोगे तो कास्ट इन पॉलिटिक्स इज अ डोमिनेंट फिनोमिनन। कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या है, अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना, बबलू इन कार एंड कार इन बबलू, मतलब क्या है कि जो शब्द आगे है वो डोमिनेट करेगा। तो कास्ट जो है तो बबलू इन कार, तो बबलू बैठा है कार में, कार को नचा नचा दे रहा है बबलू, ठीक है। मतलब वही है कि कास्ट कैसे पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करती है। तो कोई भी पॉलिटिशियन किसी को टिकट देने से पहले ये देखते हैं कि वहां की कास्ट कंपोजिशन क्या है, वोट्स को मोबिलाइज किया जाता है कास्ट सेंटीमेंट्स के हिसाब से। राजस्थान में महाराणा प्रताप की बात करेंगे, मध्य प्रदेश क्या बोलते हैं महाराष्ट्र में किसकी बात करेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करेंगे। तो उस तरह से क्या हो रहा है कि कास्ट का इस्तेमाल किया जाता है पॉलिटिक्स में खेल करने के लिए, ठीक है। तो ये कास्ट इन पॉलिटिक्स वाला एस्पेक्ट हो गया। अगली बात अगर आगे बढ़े देखें तो पॉलिटिक्स इन कास्ट, ठीक है। हाँ, अभी आप बोलोगे क्या सर तो पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग अबाउट कास्ट, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दो पार्टी सेम ही कास्ट के लोग को कैंडिडेट को टिकट दे दे, ठीक है। तो पॉलिटिक्स इज नॉट एवरीथिंग अबाउट कास्ट। यस, वी एक्सेप्ट दिस कि कास्ट इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, लेकिन हर चीज पॉलिटिक्स में कास्ट से होती है तो यह गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम ये देखते हैं कि एक कास्ट का इंसान उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जिससे जीतता उससे हारता भी है, ठीक है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी सेम कास्ट के कैंडिडेट को दे सकती है वोट। और अब जब हम ये बात करते हैं कि कोई कास्ट किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का वोट बैंक है, तो मतलब उसके मेजर वोटर्स उसे वोट देते हैं, समझ में आया ये वाला एस्पेक्ट। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स इन कास्ट सिंपल ये कहता है कि पॉलिटिक्स किस तरह से, अब कार बबलू के ऊपर चढ़ गई है, ठीक है, पॉलिटिक्स डोमिनेट कर गया शब्द। तो पॉलिटिक्स इन कास्ट की अगर बात करें तो पॉलिटिक्स कैसे कास्ट को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि न्यू कास्ट या फिर दो सब कास्ट एक साथ कोलिजन में आती है, बैकवर्ड कास्ट फॉरवर्ड कास्ट इमर्ज होती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो इस तरह से पॉलिटिक्स कास्ट के साथ में भी होती है। अब पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो देखो पॉजिटिव ऐसे है कि जब कास्ट को हाईलाइट किया गया तो जो बैकवर्ड सेक्शन था वो फॉरफ्रंट में आया, उनके शिक्षा के लिए उनके कह सकते हैं मुद्दों पर अब बात की जा रही है, क्योंकि यूनिवर्सल रेंट फ्रेंचाइजी के चलते अब सब जरूरी है। लेकिन नेगेटिव ये है कि जब कास्ट पॉलिटिक्स में डोमिनेट करने लगती ना तो क्या होता है कि लोग जो इंपॉर्टेंट इशूज है उनको तो दरकिनार कर देते, कास्ट के बेसिस पर ही सब कुछ खेल खेलने लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, एंड द नेक्स्ट चैप्टर इज पॉलिटिकल पार्टीज। अब पॉलिटिकल पार्टीज को भी बड़ा सिंपल समझना, देखो क्या है, चार पांच एरियाज हैं। बेसिक्स क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग क्या है, ग्रुप ऑफ व्हेन अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड पावर, पॉलिटिकल पार्टीज बनती है ऐसे। पॉलिटिकल पार्टीज मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के अंदर। फंक्शन क्या है, तो सातों के सातों फंक्शन, इलेक्शन कंटेस्ट करना, लॉ बनाना, पॉलिसीज प्रोग्राम बनाना, अपोजिशन का रोल प्ले करना, साथ ही साथ अपोजिशन को रोल प्ले करने के साथ साथ में पब्लिक ओपिनियन को शेप करना, गवर्नमेंट मशीनरी तक लोगों को पहुंचाना, ये सारे फंक्शन है। और नेसेसिटी क्या है पॉलिटिकल पार्टीज की, कि हम हर वक्त क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो जो कैंडिडेट होगा सिर्फ अपनी कंस्टिट्यूएंसी तक ही सीमित होगा, नेशनल लेवल पे कोई डिसीजन नहीं लिए जाएंगे। और आज हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जी रहे हैं तो हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स को एक साथ एक ही सूत्र में पिरोने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज बहुत जरूरी है। तो ये नेसेसिटी हो गई। अब बेसिक्स के बाद में अगर आगे बढ़े तो हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पार्टीज होना चाहिए, तो हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, तो देखो वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। क्यों? क्योंकि पार्टी सिस्टम हम चूज नहीं करते, वो हमारी कंट्री के कंटेक्स्ट के हिसाब से, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, मतलब हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन के हिसाब से पार्टी सिस्टम इवॉल्व होता है। चाइना में वन पार्टी सिस्टम है जो कि नॉन डेमोक्रेटिक होता है, जहां पे एक ही पार्टी डोमिनेट करती है, टू पार्टी सिस्टम जहां पे दो पार्टी एक साथ कंटेस्ट करती है, पावर में आने का प्रयास करती है, और मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि जहां पे मल्टीपल पार्टीज एक साथ कंटेस्ट कर रही है, जहां पे अलायंसेस बनते हैं, जहां पे कोलिजंस बनते हैं, जैसे कि इंडिया में, ठीक है। और कौन सा बेस्ट है तो डिपेंड करता है कंट्री के ऊपर,
ठीक है, एक बेस्ट कुछ नहीं होता है। अब बात करें तो वैसे ही नेशनल पार्टीज होती है और स्टेट पार्टीज होती है। नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज का क्राइटेरिया, नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया क्या है कि 4 सीट और 6% वोट लोकसभा में, ठीक है, या फिर 6% वोट 4 स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली में मिल जाए तो वो पार्टी नेशनल पार्टी, जिसे रिकॉग्नाइज पार्टी कहा जाएगा। स्टेट पार्टी का क्या है कि 6% वोट किसी एक स्टेट की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में सिक्योर कर ले और 2 सीट सिक्योर कर ले, ठीक है। अब नेशनल पार्टीज जो है तो आपको 7 नेशनल पार्टी दी है, देखो आज की डेट में 9 नेशनल पार्टी हमारे देश में, लेकिन आपको एनसीईआरटी में 7 दिए, तो 7 ध्यान रखना आप, ठीक है। तो कौन कौन सी है, तो सारी पार्टी, अब देखो कोई बच्चे पूछते सर पार्टीज कैसे याद रखे, तो अगेन आई एम हाईलाइटिंग दिस, मैं आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में भी कहा था कि तुम बस अपने मन में उस डाउट को उत्पन्न करो और सर्च कर दो यूट्यूब पे, जैसे हाउ टू लर्न नेशनल पार्टीज, ठीक है, हाउ टू लर्न नेशनल पार्टीज स्पेस दिगराज सिंह राजपूत, और हुकुम मेरे आका करके तुम्हारे सामने एक वीडियो आ जाएगा। तो हर वो चीज जहां पे बच्चा फंसता है, क्रॉप्स हो गया, सॉइल हो गया, नेशनल पार्टी हो गया, वो निमोनिक्स हो गए, चाहे क्रॉप्स के, चाहे वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के नाम के, हर चीज पर वीडियो बनाया है। ऑल व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज टू जस्ट सर्च दैट एंड यू विल गेट इट, ठीक है। तो ये नेशनल पार्टीज वाला पार्ट हो गया, इसको समझ लेना, पूरा पूरा बताया मैंने नेशनल पार्टीज को याद करने की टेक्निक, ठीक है, इसी चैनल पे मिल जाएगा आपको। स्टेट पार्टीज की बात करते, स्टेट पार्टीज सारी याद नहीं रखना है, इतनी चीज ध्यान रखना है कि स्टेट पार्टीज ने कहने की फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन किया है, स्टेट पार्टीज की मदद से फेडरलिज्म और स्ट्रेंथन हुआ है, ठीक है। ये सारा पूरा पार्ट हो गया पॉलिटिकल पार्टीज का। अब लास्ट के 2 टॉपिक्स जो है, पॉलिटिकल पार्टीज में चैलेंजेस है, तो चारों चैलेंजेस ध्यान रखना क्या है। चैलेंजेस के नाम पे जिस देखेंगे, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, डायनेस्टिक सक्सेशन का चैलेंज है, मनी एंड मसल पावर डोमिनेट करता है, और साथ ही साथ मीनिंगफुल चॉइसेस नहीं है, ठीक है, लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस। तो ये 4 चैलेंजेस हैं, 4 चैलेंजेस का एक बड़ा क्वेश्चन भी बनता है, सब टाइप में भी बनता है। साथ ही साथ पार्टीज को कैसे रिफॉर्म किया जा सकता है, हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म, तो पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए बताया गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया, ठीक है, मैंडेटरी कर दिया गया, क्या कि आप एफिडेविट फाइल करोगे जिसमें बताओगे अपनी इनकम, प्रॉपर्टी, क्रिमिनल केसेस वगैरह, ITR फाइल करना, ये कर दिया मैंडेटरी, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स लिए गए हैं पार्टीज को रिफॉर्म करने के लिए, और कुछ सजेशंस है, जैसे एक इंटरनल रजिस्टर मेंटेन किया जाए, इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टीज का, स्टेट फंडिंग होना चाहिए, रिजर्वेशन दे दिया जाए वुमेन को पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा कि हम 1/3 सीट देंगे, तो ये कुछ सजेशन है, ठीक है। ये लीगल रिफॉर्म्स वगैरह है, सजेशंस है, लेकिन इसके अलावा एक और काम किया जा सकता है कि लोग पीपल्स पार्टिसिपेशन विल इंश्योर द रिफॉर्मेशन, ठीक है। कैसे, कि जो लोग बदलाव चाहते हैं दे शुड एंटर इन टू द पॉलिटिक्स, ठीक है। लोगों को अपने आप को क्या करना पड़ेगा, एक्टिव करना पड़ेगा पॉलिटिक्स में, तब पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिक्स रिफॉर्म होगी। तो दिस वॉज द चैप्टर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नेक्स्ट, पॉलिटिकल पार्टीज के बाद में आते हैं आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी पे। सीधे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो ये चैप्टर जो है, देखो एक स्टेटमेंट में अगर मैं बताऊं आपको कि जितने भी टॉपिक है, हर टॉपिक को आप ये सवाल लगा के पूछो, जैसे क्या है कि ये है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो व्हाट आउटकम डस डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करता है जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, आपको जवाब मिल जाएगा कि ये चैप्टर कहना क्या चाहता है। मतलब हम डेमोक्रेसी को अलग अलग पैरामीटर पर देख रहे हैं कि व्हाट आउटकम्स डस डेमोक्रेसी प्रोड्यूसेस ऑन वेरियस फ्रंट्स। पॉलिटिकल फ्रंट पे डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है, इकोनॉमिक फ्रंट पे क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है, सोशल फ्रंट पे क्या आउटकम प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो अब जैसे कार होता है तो कार को तो हम ऐसे एनालाइज करते हैं कि माइलेज कितना दे रही, कंफर्ट कितना है, दिखती कितनी सुंदर है कार, लेकिन अब डेमोक्रेसी को कैसे एनालाइज करेंगे, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम। तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगी कि हमने डेमोक्रेसी से एक्सपेक्टेशन रखी कि हम उसको कंपेयर करते हैं नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जिसमें वो बेहतर है, लेकिन हम जैसे हमारी कोई एक एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो हम डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करने लगते हैं, ठीक है, मनुष्य का नेचर ही ऐसा। अब लेकिन क्या है, हमें यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि डेमोक्रेसी कोई मैजिकल सोल्यूशन तो नहीं है, मेडिकल सोल्यूशन तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या देखना होगा, डेमोक्रेसी एक कंडीसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, हमें अपने आप को बेहतर करना होता है उन सारी चीजों को अचीव करने के लिए। अब डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में, तो पॉलिटिकल एस्पेक्ट पे देखें तो क्या डेमोक्रेसी अकाउंटेबल गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है, हाँ, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो लोग पावर में होते तो जवाबदेह होते हैं, हमें वो एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट होती है जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ट्रांसपेरेंसी होती है कि जैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं हमें पता होता है कि क्या प्रोसेस फॉलो की गई है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है जहां हमें ये जानकारी होती है, क्या जानकारी होती है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे होती है, जहां हमें ये जानकारी होती है क्या कि चाहे जैसी हो, सुस्त गवर्नमेंट हो, करप्ट गवर्नमेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन ये हमारी अपनी है, ठीक है, इट्स पीपल्स ओन गवर्नमेंट, तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट बनाती है, ठीक है। इकोनॉमिक एस्पेक्ट पर अगर देखें तो क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें तो डेमोक्रेसी ये देखने को मिलता है कि कहीं कहीं डिक्टेटरशिप से पीछे भी रह जाती है, लेकिन हम सिर्फ इस एस्पेक्ट पे कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा तो डिक्टेटरशिप को अडॉप्ट कर ले, वो कतई भी जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके दूसरे बेनिफिट्स हैं
जो कि उसको नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर बनाता है। रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी की बात करें तो देखो ये तो और रीजनेबल एक्सपेक्टेशन है, क्या कि चलो डेमोक्रेसी मान लिया, डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी में आपको देखने को मिल रहा है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं है, समझ गए, लेकिन जितना है उतना तो बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए क्योंकि इट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। लेकिन आपको यह देखने को मिलता है कि इनइक्वालिटी है, एक डिस्प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ वेल्थ जो है फ्यू पीपल जो है वो एंजॉय कर रहे हैं और मेजोरिटी पीपल जो है दे आर बिलो पॉवर्टी। ठीक है, पॉवर्टी रिडक्शन की भी बात कर रहे हैं तो क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी उस पर वोट बैंक तो करती है लेकिन कोई सीरियस अटेम्प्ट्स नहीं है। तो यहां पे आप देखेंगे कि आउटकम उतने डिजायरेबल नहीं है, तो हटा दे क्या, नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं क्योंकि उसके साथ अदर बेनिफिट्स हैं एसोसिएटेड। आगे देखें तो सोशल आउटकम पे डेमोक्रेसी क्या आपको देती है, तो सोशल आउटकम की बात करें तो अकोमोडेशन ऑफ सोशल डायवर्सिटी, डेमोक्रेसी क्या आउटकम प्रोड्यूस करती है व्हेन इट कम्स टू अकोमोडेशन ऑफ सोशल डायवर्सिटी। तो डेमोक्रेसी में आपको ये देखने को मिलता है कि अलग अलग ग्रुप्स जो है उनको एक साथ अकोमोडेट करने का प्रयास किया जाता है। नॉन डेमोक्रेसी में तो लात मार के डिविजन को खत्म ही कर दिया जाएगा ना, लेकिन डेमोक्रेसी में क्योंकि आप डेमोक्रेसी में इसलिए आपका हक है कि आप भी रहे। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना होता है कि डेमोक्रेसी में कभी भी मेजोरिटी को ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज रिलीजन ये कंसीडर ना किया जाए और जो आज मेजोरिटी में है उसे कल भी आने का मौका मिले, नहीं तो श्रीलंका जैसा केस होता है। ठीक है, साथ ही साथ डिग्निटी एंड द फ्रीडम ऑफ सिटीजंस की बात करें तो डेमोक्रेसी इस आउटकम पे हाईएस्ट स्टैंडर्ड रखती है। क्या कि डेमोक्रेसी हो सकता है करप्ट हो सकता है डेमोक्रेसी अकाउंटेबल ना हो सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो, डेमोक्रेसी में एक समय पर यह भी आपको देखने को मिल जाएगा कि अकोमोडेशन भी शायद ना हुआ हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल्स डेमोक्रेसी स्टैंड्स हाईएस्ट टू दिस लेवल। व्हाई डेमोक्रेसी स्टैंड्स हाईएस्ट टू दिस लेवल, तब आपको यह चीज समझना होगी क्या कि क्योंकि डेमोक्रेसी है तो इस सिर्फ इस बिना पर कि हम डेमोक्रेसी में जी रहे हैं हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। और इसी का हवाला देते हुए क्या है कि वुमेन नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो आवाज भी नहीं उठा सकती इक्वल राइट्स के लिए, लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी है तो एटलीस्ट दे हैव दैट ब्रॉड बेस टू रेज देयर वॉइस फॉर इक्वल राइट्स। और डेमोक्रेसी के ही बेसिस पर आप देखेंगे तो कास्ट ग्रुप्स अपनी आवाज उठा सकते हैं डिग्निटी और फ्रीडम के लिए, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में तो क्या है कि दबा दिया जाए शायद उनकी आवाज को। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन जो चैप्टर का खत्म होता तो ये बताता है कि डेमोक्रेसी का एग्जामिनेशन कभी खत्म नहीं होता है और जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं, जो लोग एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं डेमोक्रेसी से, वो अपने आप में एक टेस्टिमनी है कि डेमोक्रेसी इज ऑन राइट ट्रैक। दिस वॉज द चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। फाइनली द लास्ट बुक इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब थके तो नहीं हो यहां तक इकोनॉमिक्स, और देखो आपके सामने पूरा चैप्टर आई गेस डेढ़ घंटे के आसपास हो गया है। ठीक है, पूरा चैप्टर जो है आपके सामने क्या है, पूरा चैप्टर आपके सामने, पूरा सिलेबस, सॉरी पूरा चैप्टर बोल रहा हूँ, पूरा सिलेबस आपके सामने है। और ऐसा नहीं है कि सिलेबस सिर्फ टच टच किया है मैंने आपको, ठीक है, कुछ कुछ तो पूरे चैप्टर समझा दिया मैंने दो दो तीन तीन मिनट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट की अगर बात करें हम, डेवलपमेंट क्या है देखो, तो इंडिविजुअल डेवलपमेंट, नेशनल डेवलपमेंट, इंडिविजुअल डेवलपमेंट और नेशनल डेवलपमेंट दोनों, ठीक है, सेम पैटर्न ऑफ टॉपिक्स है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट जो है तो व्हाट डेवलपमेंट मींस, ठीक है, व्हाट डेवलपमेंट मींस, तो हर इंसान की डेवलपमेंट अलग अलग है। ठीक है, व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर अनदर, वो उल्टा उसके लिए डिस्ट्रक्शन हो सकता है। और यहीं पे क्या है कि जब डेवलपमेंट सबका अलग अलग होता है तो आप नेशन के डेवलपमेंट की कैसे बात करोगे। ठीक है, तो वहां पे आप क्या देखते हैं, जहां मैक्सिमम बेनिफिट्स मैक्सिमम लोगों को पहुंच पाए। ठीक है, तो वो डेवलपमेंट का आइडिया है, सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब जैसे इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट जब अलग है तो वैसे नेशन के लिए भी डेवलपमेंट अलग होगा, तो दोनों को कंपेयर कैसे करोगे, कंपेयर कैसे करोगे, तो डेवलपमेंट को कंपेयर करने के लिए आप क्या करते हैं, पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे इनकम। तो इनकम क्या सिर्फ इनकम ही एकमात्र डेवलपमेंटल गोल होता नहीं, तो हम इनकम के अलावा भी दूसरे डेवलपमेंटल गोल रखते हैं जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, ये सारी चीजें। तो वही कंट्रीज को कंपेयर करना है तो एक तरीका तो ये है, इनकम से कंपेयर कर लो। ठीक है, तो इनकम एक क्राइटेरिया है कंट्रीज को कंपेयर करने का। तो जैसे आप क्या देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में इनकम के बेसिस पर कैपिटल इनकम के हिसाब से कंपेयर करा जा सकता है। पर कैपिटल इनकम क्या होती है, तो दी टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल इनकम। तो आपको ये पता चल जाता है कि पर हेड इनकम कितना जा रहा है, हेड काउंट रेशियो क्या जा रहा है। ठीक है, तो वो पर कैपिटल इनकम से कंट्रीज को कंपेयर किया जाए। लेकिन जैसे इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट के गोल अलग अलग हो सकते हैं, वैसे कंट्रीज के लिए भी डेवलपमेंट के गोल अलग अलग हो सकते हैं। पाकिस्तान, ठीक है, कि तारों के नीचे से घुस के आना ही उसका डेवलपमेंटल गोल है। तो आप कैसे बोलोगे कि डेवलपमेंट सिर्फ इनकम नहीं होता, इनकम के अलावा दूसरे क्राइटेरियाज क्या है। तो दूसरे क्राइटेरियाज की अगर बात करें तो जैसे हेल्थ, एजुकेशन, इनको भी कंसिडर किया जाता है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो होती है, जो यूएनडीपी के द्वारा पब्लिश की जाती है, वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया का रोल प्ले करती है। यहां पे वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जहां पे आप कंट्रीज को अदर देन इनकम के क्राइटेरिया पे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए आप क्या करते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का इस्तेमाल करते हो, जिसमें अब सुनो मेरी बात, जैसे इस चैप्टर में आपको क्या देखने को मिलता है कि ऐसे कीवर्ड्स आ जाएंगे क्या, कि इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट हो गया, लिटरेसी रेट हो गया, तो ये क्या है, तो वो सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा पब्लिश की जाती है। इस रिपोर्ट में हम क्या करते हैं,
पर कैपिटल इनकम, हेल्थ स्टेटस और एजुकेशनल लेवल, तीनों के बेसिस पे कंट्रीज को कंपेयर करते हैं और उस समय ये पता चलता है कि कौन कंट्री किस लेवल पे है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से वो रैंकिंग पता चलती है। ठीक है, ये हो गया। तो ये डेवलपमेंट का पूरा आइडिया जो बेसिक की विकास क्या है, तो विकास एक भ्रम है, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है वैसे, टॉपिक क्या है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ, अच्छा कुछ बच्चे ये भी शिकायत करते हैं कि सर आप लिख के क्यों नहीं पढ़ाते हो। देखो मेरे दोस्त, लिख के पढ़ाऊंगा तो लिख के पढ़ाने में जितनी देर लिखूंगा और जितनी देर समझाऊंगा टाइम डबल होगा। अब क्या होता है कि ऑटोमेटिकली सब लिखा होता तो तुम्हें हाथ पैर घड़ी करना है और मुझे सिर्फ बोलना है और तुम्हें सिर्फ सुनना है, तो टाइम प्रोडक्टिव होता है। इस कारण मैं लिखना कम प्रेफर करता हूं। मैं लिखना चालू कर दूंगा तो जो लेक्चर आपको चार घंटे के मिल रहे हैं वो सीधे आठ के हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी तो देखो, इसमें मुझे इफेक्टिवनेस ज्यादा लगती है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी, और फिर दूसरी चीज ये भी कि बोर्ड पे मेरी राइटिंग खराब आती है। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्या कहता है कि जिस तरीके से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या ये डेवलपमेंट सही है, नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे कंसेप्ट भी आता है कि जिस तरह से आज विकास हो रहा है, ये विकास क्या उसी तरह से चल पाएगा। तो वाटर रिसोर्सेज और क्रूड ऑयल के एग्जांपल से आपको समझाया गया है क्या कि हमें रिसोर्सेज को आगे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी सेव करना होगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट करना होगा। ठीक है, तो ये डेवलपमेंट चैप्टर था। अगला चैप्टर आता है आपका सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रॉ मटेरियल, ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तीन पिलर ऑटो आ गया फिर से। ठीक है, तो तीन पिलर पे चैप्टर है, मतलब पूरी इकोनॉमी में आप अलग अलग सेक्टर्स देख सकते हैं इकोनॉमी के। तो एक सेक्टर आप बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के हिसाब से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीन सेक्टर होते हैं। प्राइमरी मतलब क्या है, जहां पे आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, सेकेंडरी मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट कर दे रहे हो, और टर्शियरी मतलब क्या है, टर्शियरी मतलब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जहां पे सर्विस सेक्टर है। ठीक है, जो प्राइमरी सेकेंडरी की ग्रोथ में रोल प्ले करता है और तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं। वो कौन सा वाला एग्जांपल, बिस्किट बनाने वाला, टमाटो बनाने वाला, जो भी आपको बनाना है कि रॉ मटेरियल आपको बिस्किट जैसे टमाटो केचप के लिए, टमाटर एग्रीकल्चर सेक्टर प्राइमरी से मिल गया। ठीक है, टमाटर इंडस्ट्री में जाएंगे, केचप बन जाएगा उसका, वो सेकेंडरी हो गया, और टमाटर खुद दो लगा के नहीं चले जाएंगे, उनको ले जाया जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन से, वो टर्शियरी हो गया। तो तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट है। और अब क्या देखने को मिलता है कि कंट्रीज में हिस्टोरिकल चेंज हुआ है कि हर कंट्री शुरुआत में प्राइमरी सेक्टर पे डोमिनेट करती है, फिर पॉपुलेशन शिफ्ट होती है सेकेंडरी सेक्टर पे, और जो डेवलप कंट्रीज हो जाती है तो वो टर्शियरी सेक्टर में पॉपुलेशन का वहां पे कंट्रीब्यूशन जो रहता है ज्यादा रहता है। ठीक है, ये नॉर्मल पैटर्न है। लेकिन अब इस पूरे सेक्टर के साथ बहुत सारे इश्यूज जुड़े हुए हैं। क्या इश्यूज जुड़े हुए हैं कि हमें ये देखने को मिला है कि इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो क्या है कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों सेक्टर हैं, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर जैसे देखेंगे तो प्राइमरी सेक्टर जो है तो वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर था इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी भी। लेकिन बाद में आज की स्थिति ये है कि टर्शियरी सेक्टर में हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन है। तो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द राइज ऑफ टर्शियरी सेक्टर? तो सिंपल है, रीजंस क्या है टर्शियरी सेक्टर के राइज होने के, तो आप देखेंगे कि एसेंशियल सर्विस है, लोगों की इनकम लेवल राइज होना, प्राइमरी सेकेंडरी ग्रो करेगा तो टर्शियरी ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा, न्यू फॉर्म ऑफ सर्विसेज इमर्ज हो गई है, इस कारण से क्या है सर्विस सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रो हो ही रहा है, सर्विस सेक्टर इसलिए, टर्शियरी सेक्टर इसलिए ग्रो हो रहा है। अब पॉइंट ये आता है लेकिन क्या है कि जिस तरह से कंट्रीब्यूशन उसका बड़ा है किसमें, जीडीपी में, वैसा ही कंट्रीब्यूशन आपको एम्प्लॉयमेंट में नहीं देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का कारण क्या है कि सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर ने उतने एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं करे और प्राइमरी सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि जहां पे लोग आपको दिख रहे हैं काम करते हुए बट दे आर नॉट वर्किंग अप टू देयर फुल पोटेंशियल, इट इज मेजरली सीन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। अब समस्या ये है, समस्या पे नहीं समाधान पे फोकस करो। तो हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो एक एग्जांपल लेते हुए जैसे बताया गया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है या फिर एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा क्रिएट करना है तो इरिगेशन फैसिलिटी ले आओ, चीप लोन फैसिलिटी ले आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ले आओ, ठीक है, स्मॉल स्केल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ले आओ, ठीक है, और उसके बाद में नए सेक्टर्स को एक्सप्लोर करो जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, जहां पे और स्कोप है एजुकेशन और स्कोप एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में जहां पे और स्कोप है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, लेकिन इसमें सब में समय लगेगा। तो इमीडिएटली क्या किया जा सकता है, तो मनरेगा का एग्जांपल दिया गया है जिसमें बताया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, एक इंपॉर्टेंट एक्ट है, एक इंपॉर्टेंट लॉ है जो क्या करेगा, जो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है 100 days ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दे रहा है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, जो अनएम्प्लॉयड लोग उन्हें दे सकते हो क्या एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, 2005 में लॉ पास किया गया था। तो ये पूरा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेक्टर और उससे जुड़े हुए इश्यूज इंडिया के
ये पूरा चैप्टर में बताया गया है। आगे बढ़े ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग कंडीशन, तो ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बताया गया है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, जहां पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, जहां पे जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन में होता है, जहां पे पेड लीव्स होती है, जहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मतलब जो व्यवस्थित तरीके का काम करने का क्षेत्र है। अनऑर्गेनाइज मतलब क्या, जो गवर्नमेंट के रेगुलेशन में नहीं है, जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हो गए, जो जहां पे कह सकते हैं कि क्या किसी तरह के लॉज रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते हैं, सिक्योरिटी टेन्योर नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है। तो ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब क्या है, हाउ टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, आपको यह समझ में आ गया कि अनऑर्गेनाइज भयंकर है, कभी भी निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है काम से। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि पहले सरकार आइडेंटिफाई करे कि रूरल एरियाज में अनऑर्गेनाइज कौन है, तो शेयर क्रॉपर्स, पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर्स, ठीक है। अर्बन एरियाज में कौन है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले, तो जैसे आप पेटी पेडलर्स की बात कर लो, ठीक है। उसके बाद में क्या कर लो कि जो लेबर्स हो जाते हैं, कैजुअल वर्कर्स हो जाते हैं, हॉकर्स वगैरह हो जाते हैं, वेंडर्स हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाएंगे। अब इनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स रूरल एरिया में, चीप एग्रीकल्चरल क्रेडिट वगैरह दिया जाए, ठीक है। अर्बन एरियाज में क्या दिया जाए, अशोर्ड एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर और उनको प्रोटेक्शन की क्यों जरूरत है, कैसे किया जा सकता है, वो पूरी कहानी हो गई है। इधर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आपको क्या देखने को मिल रहा है, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट की अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दो होते हैं। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट ओन्ड, और प्राइवेट सेक्टर मतलब क्या है कि प्राइवेट प्लेयर्स का, जैसे रेलवेज हो गया, और इधर क्या हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज प्राइवेट का एग्जांपल हो गई है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पब्लिक सेक्टर की इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, लेकिन कि पब्लिक सेक्टर को कुछ एक्टिविटीज करना ही होती, क्यों, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वो सर्विसेज रीजनेबल कॉस्ट पे नहीं देगा। प्राइवेट सेक्टर जो है, अगर पब्लिक सेक्टर उसमें पैसा ना लगाए तो प्राइवेट सेक्टर ग्रो ही नहीं कर पाएगा, और कुछ सर्विसेज बेसिक होती है जैसे हेल्थ एजुकेशन, जो प्रॉफिट मोटिव से नहीं दी जाना चाहिए, जो कि लोगों को सर्व करने के लिए, कंट्री को रन करने के लिए जरूरी है, और सिर्फ गवर्नमेंट ही दे सकती है। तो इस सेंस में पब्लिक सेक्टर जरूरी है, ठीक है। ये पूरी कहानी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलती है। तो विद दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड, आगे बढ़ते हैं मनी एंड क्रेडिट। नेक्स्ट चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट की अगर बात करें हम, तो मनी एंड क्रेडिट क्या है, मनी और क्रेडिट, ठीक है। तो मनी मतलब क्या है कि पैसा, तो मनी क्यों जरूरी है, क्योंकि पहले क्या था, बार्टर एक्सचेंज चलता था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए थी, मुझे जो बेचना है तुम्हें भी वो खरीदना होना चाहिए, वो इच्छा जब होगी तभी क्या होगा, मतलब एक्सचेंज हो पाएगा। तो इस सेंस में क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है मनी आया, तो ट्रांजेक्शन आसान हो गए। पहले क्या था, पहले जैसे आप देखो गोल्ड कॉइन्स वगैरह ये सारी चीजें आई, फिर क्या है मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी डेवलप होता चला गया, तो कॉइन्स के फॉर्म में आया, डिपॉजिट्स विद बैंक के फॉर्म में आया, तो जो आरबीआई थी तो उसने करेंसी वगैरह पब्लिश करना चालू कर दी, वो करेंसी हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो भी मनी है, बैंक हमें एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी ऑफर करता है चेक की, जिसके चलते हम क्या है कि पेमेंट्स को सेटल कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन को सेटल कर सकते हैं विदाउट द यूज ऑफ कैश, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ मनी से जुड़ी हुई केस हो गई। अब क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट मतलब लोन। तो इकोनॉमी में आपको क्या देखने को मिलता है कि पैसा एक तो मनी हो गया हार्ड फॉर्म में, बैंक में डिपॉजिट है, जो दूसरा क्या होता है क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट भी समझाऊंगा। अब ये समझ लो कि बैंक में पैसा जमा हो रहा, तो बैंक पैसे का करता क्या है, बैंक की लोन एक्टिविटीज क्या है कि डिपॉजिटर्स पैसे जमा करते हैं, बोरोवर्स वो पैसा ले जाते हैं, बैंक क्या करता है जो बोरोवर पैसा ले गया उससे इंटरेस्ट चार्ज करता है कि तुम 10 रुपए ले गए तो बदले में मुझे 15 ला के दो, और जो पैसा डिपॉजिटर्स ने डिपॉजिट किया था तो बैंक क्या करता है कि इन डिपॉजिटर्स को उनके पैसे की सुरक्षा करने के साथ साथ 2 रुपए दे देता है, ठीक है। तो अब क्या है कि द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज एंड द इंटरेस्ट पेड, चार्ज 5 रुपए करे थे एक्स्ट्रा, इधर दिए वापस 2 ही है, 3 बच गए, तो जो डिफरेंस होता है वो बैंक की इनकम होती है, और इस तरह से बैंक काम करते हैं। तो बैंक की लोन एक्टिविटी आपको ध्यान रखना है, इस पूरे चैप्टर में ये बताया गया है इंपॉर्टेंट। फिर आप बात करते हैं क्रेडिट पे, तो क्रेडिट क्या बताया मैंने कि लोन को क्रेडिट कहा जाता है, तो ये बैंक ने लोन दिया था ना अभी बोरोवर को, तो वो क्रेडिट है। अब क्रेडिट के क्या अलग अलग सिचुएशन होते हैं, जैसे आपको स्वप्ना और सलीम का एग्जांपल दिया और बताया गया कि सलीम के लिए क्रेडिट यूजफुल रहा, स्वप्ना के लिए क्रेडिट ने उसको डेट ट्रैप में फंसा दिया, ठीक है। तो क्रेडिट यूजफुल होगा या नहीं ये डिपेंड करता किस चीज पे, The risk involved, कितना risk involved है उस चीज पर निर्भर करता है, ठीक है, कि credit useful होगा या नहीं। तो different credit situations की अगर हम बात करें, तो different credit situations में क्या बताया गया, clearly different credit situations में बताया गया कि credit useful होगा या नहीं होगा, वो risk पे depend करता है, ठीक है। और यहाँ पे terms of credit एक important role play करती है credit की risk को define करने में। Terms of credit क्या है, तो DOCOMO इंटरनेट मतलब डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, कोलेट्रल, मोड ऑफ रीपेमेंट एंड इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें एक साथ मिलकर क्या बनती है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट बनती है। और ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट लेंडर और बोरोवर के आपस के म्यूचुअल कंसेंसस पे डिपेंड करती है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट कभी कभी हार्श
होती है जैसे इनफॉर्मल सोर्स सेक्टर्स वगैरह में भी जो बताऊंगा, और कहीं कहीं जेन्युइन होती है जैसे बैंक्स वगैरह की, ठीक है, तो वो वेरी करती है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब पॉइंट ये आता है कि क्रेडिट मिलता कहां कहां से, तो क्या सिर्फ बैंक से लोन मिलता, नहीं, मल्टीपल सोर्सेज है। जैसे क्या है कि अपने एम्प्लॉयर से लोन ले लेते हैं लोग, ठीक है, इनफॉर्मल सोर्सेज से लेते हैं, मनी लेंडर वगैरह से ले लेते हैं, कोऑपरेटिव से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो डिफरेंट क्रेडिट अरेंजमेंट्स के सोर्सेज है, वो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं। अब फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है, तो फॉर्मल मतलब बैंक हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव्स हो गए, ठीक है, जहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट जस्टिफाइड होती है, जहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, जहां पे आपको ये देखने को मिलता है कि चांसेस ऑफ मतलब रिस्क जो है वो कम है, तो वो क्या हो गया, वो फॉर्मल फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट हो गया। और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में जाएगा क्या, जहां पे टर्म्स ऑफ क्रेडिट हार्श होते हैं, मनी लेंडर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, एम्प्लॉयर हो गए, जो क्या है आपको फंसा सकते हैं, या फिर जो इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे होते हैं, वो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहलाता है। अब क्या है कि इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट अच्छा है या फॉर्मल, तो देखो इनफॉर्मल में हो सकता है कि आपको आसानी से लोन मिल जाए, उतना डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं लगेगा, लेकिन क्या है उसमें चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू द डेट ट्रैप इज हाई, ठीक है, इसीलिए क्या है कि इसीलिए फॉर्मल का जरूरी होना। अब फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, लेकिन उस पर क्या रहता है, फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में आपको देखने को मिलता है कि उतना ईजी नहीं होता है, ठीक है। अब और इसी के चलते एक चीज ये भी ध्यान रखना होगा कि सोर्स ऑफ क्रेडिट फॉर्मल होना चाहिए कंट्री में, और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट वगैरह या फिर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लोन ले पाए। लोग लोन लेंगे तभी क्या होगा, तभी कंट्री का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो लोन लेके कोई शिमला मनाली घूमने नहीं जाएंगे, वो लोन लेके लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगे, जिससे कंट्री में प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और अधिकतर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पुअर हाउस होल्ड होते हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कोलेटरल नहीं होता है, कोलेटरल मतलब क्या है कि एसेट जिसके एवज में, जिसे गिरवी रख के लोन लिया जा सके, तो एसेट होना चाहिए, लेकिन अब एसेट नहीं होता तो लोग फिर इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर में इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज हो जाता है, तो लोग डेट ट्रैप में फंसते हैं, और खास करके पुअर हाउसहोल्ड वगैरह जो है तो ज्यादा फंसते हैं। उस कारण से क्या है कि फॉर्मल सेक्टर लेंडिंग जो है तो रूरल एरियाज में पुअर हाउसहोल्ड तक बढ़ना चाहिए, ये जरूरी है, ठीक है। एंड द लास्ट पार्ट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप। देखो बैंक क्या है, आपसे कोलेटरल मांगता है, आप कोलेटरल है नहीं तो आप बैंक से लोन लोगे नहीं, बैंक से लोन नहीं लोगे तो आप कहां जाओगे, इनफॉर्मल सेक्टर में, इनफॉर्मल सेक्टर में जाओगे तो वो आपको फंसा लेगा डेट ट्रैप में, ठीक है। तो इसके चलते क्या है कि एक बीच का रास्ता क्या निकल गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्वसहायता समूह, मतलब टिपिकल 15 से 20 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं, जो अपने अपने थोड़ा थोड़ा पैसा सेव करते हैं और एक फंड इकट्ठा करते हैं, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे को जान रहे हैं, तो वो उस पैसे की मदद से जिसको जरूरत है उसकी जरूरत पूरी कर सकते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे और बिना कोलेटरल के, तो इनफॉर्मल से भी बच गए, और अगर फॉर्मल उन्हें लोन नहीं दे रहा था तो उस समस्या से भी बाहर निकला है। और ये फॉर्मल इस तरह के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या करते हैं, रूरल पुअर का डेवलपमेंटल ब्लॉक है, ठीक है, कि वुमेन हो गई, ठीक है, तो वो अपनी क्रेडिट नीड्स जो है तो वो पूरी कर पाती है, इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, ठीक है, मोहम्मद यूनुस के द्वारा चालू किया गया था, जिन्हें नोबेल पीस प्राइज भी दिया गया, ठीक है, रूरल क्रेडिट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड दी लास्ट चैप्टर फॉर दिस सेशन, मजा आया कि नहीं बताना, हाँ ये लास्ट चैप्टर, इसके बाद खत्म कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है, हाउ, तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन मतलब सिंपल सी चीज की पूरा वर्ल्ड जो है आपस में जुड़ गया है, वैश्वीकरण हो गया है, कैसे हो रहा है, तो एमएनसीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो कंट्रीज को जोड़ती है, कैसे जोड़ती है कि एक कंट्री में रॉ मटेरियल बना, दूसरे में उसकी फिनिशिंग हुई, तीसरे में उसको बेचा, ठीक है। अब वो करती कैसे है, तो एमएनसीज इंटरलिंक कैसे करती है प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज को, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लगाती है अपना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लोकल प्लेयर्स के साथ जॉइंट प्रोडक्शन में आती है, लोकल कंपनीज को पूरा का पूरा खरीद लेती है, या फिर एमएनसीज क्या करती है, लोकल कंपनीज को खरीदने के अलावा एक ऑप्शन ये भी होता है कि लोकल कंपनीज को अपना प्रोडक्शन आउटसोर्स कर देती है और अपने ब्रांड नेम के अंडर में बेचती है, तो ये अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब ये जो एमएनसीज कर रही है, ठीक है, इंटरलिंक कर रही है प्रोडक्शन को, तो इससे क्या होता है, इससे अल्टीमेटली आपको फॉरेन ट्रेड होने को देखने को मिलता है, मतलब कि गुड्स एक जगह बन रहे हैं, दूसरी जगह बिक रहे हैं। फॉरेन ट्रेड क्या है, मैंने बताया इंटरनेशनल ट्रेड में, व्हेन गुड्स आर बीइंग सोल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और फॉरेन ट्रेड से मार्केट का इंटीग्रेशन कैसे हो रहा है, कि अब हमारी कंट्री का एक कोई प्लेयर है तो वो अपना गुड्स क्या कर सकता है, दूसरे देश में बेच सकता है, दूसरे देश से इधर वाले देश में रॉ मटेरियल खरीद सकता है, तो इस तरह से मार्केट इंटीग्रेट हो रहे हैं, और यही मार्केट का इंटीग्रेशन जिसमें फॉरेन ट्रेड और एमएनसीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, यही मार्केट का इंटीग्रेशन ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। तो इंटरकनेक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस अमंग दी वेरियस कंट्रीज थ्रू ट्रेड इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन में सिर्फ गुड्स का ही ट्रेड नहीं है, कैपिटल का भी है, लेबर का भी है, ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस होती है। अब ग्लोबलाइजेशन को स्ट्रेंथन किसने, देखो ये तो एजेंट्स हो गए, एमएनसीज फॉरेन ट्रेड ग्लोबलाइजेशन के एजेंट हो गए, इस ग्लोबलाइजेशन को और फास्टन करने वाले फैक्टर क्या है, तो दो फैक्टर है, टेक्नोलॉजी एंड लिबरलाइजेशन। टेक्नोलॉजी के नाम पे जैसे क्या है कि ट्रेड मतलब ट्रांसपोर्ट में जब टेक्नोलॉजी
एनहांस हुई तो उससे ट्रेड फास्ट हुआ. ट्रेड फास्ट हुआ मतलब क्या है, फॉरेन ट्रेड फास्ट होना यानी कि ग्लोबलाइजेशन होना. ठीक है, तो यहां आपको क्या देखने को मिल रहा है कि टेक्नोलॉजी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जैसे कंटेनर शिप्स वगैरह, आईटी वगैरह, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए. अब लिबरलाइजेशन दूसरा फैक्टर है. लिबरलाइजेशन होता क्या है, मतलब कि जो आपकी कंट्री है तो आपकी कंट्री के ऊपर आप अगर क्या कर रहे हैं, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगा दे रहे हैं कि बाहर से गुड्स नहीं आने दे रहे हैं, तो वो गलत है. तो वो बाहर से जो गुड्स नहीं आने दे रहे हैं वो रिस्ट्रिक्शंस को हटाओ, बाहर से गुड्स आने दो. ठीक है, तो ये क्या है, जब आपने रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए तो रिमूविंग दी ट्रेड बैरियर्स, ये जो ट्रेड बैरियर्स पहले लगाए गए थे लोकल प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए, इन ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करना ही लिबरलाइजेशन है. और हमारी कंट्री में हमने 1990s में ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया ताकि क्या हो, फॉरेन ट्रेड हो सके, और फॉरेन ट्रेड का होना ही ग्लोबलाइजेशन है. तो ये लिबरलाइजेशन भी एक फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन का. समझ में आया, अब ये ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस समझ में आ गया, फैक्टर दैट हैव एनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन में टेक्नोलॉजी और लिबरलाइजेशन समझ में आ गया. आगे बढ़े तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आगे बढ़े तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ये WTO एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे जो डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा इनिशिएट किया गया, जिसका रिस्पांसिबिलिटी है कि वो फॉरेन ट्रेड को क्या करे, लिबरलाइज करे. लेकिन यहां आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि डेवलपिंग कंट्रीज हैव क्रिटिसाइज्ड WTO कि वो क्या करता है, अनफेयर एडवांटेज देता है डेवलप्ड कंट्रीज को अपने ट्रेड बैरियर्स को रिटेन करने में. तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की कहानी हो गई और डिबेट्स ओवर ट्रेड प्रैक्टिस आपको दिया गया है. ठीक है, अब SEZ का भी एक छोटा टॉपिक है चैप्टर में, ध्यान रखना कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जाते हैं कंट्रीज के द्वारा फॉरेन कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, टैक्स बेनिफिट्स, ये सारा सबको दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज वहां आए और प्रोडक्शन स्टार्ट करें. तो ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए जाते हैं. इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, पॉजिटिव नेगेटिव. अब ग्लोबलाइजेशन हुआ, आज हम ग्लोबलाइजेशन इज द रियलिटी, लेकिन इस ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताओ. तो पॉजिटिव इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या है ग्लोबलाइजेशन का, सिंपल सी चीज है. पॉजिटिव इंपैक्ट ग्लोबलाइजेशन का ये है कि आपको ये देखने को मिल रहा है कि आज हमारे पास में कंज्यूमर्स को पॉजिटिव इंपैक्ट ये कि मल्टीपल ऑप्शन है चूज फ्रॉम. ठीक है, प्राइस ऑफ गुड्स रिड्यूस हुआ है, क्वालिटी इंप्रूव हुई है. अब कंज्यूमर के पार्ट पे तो एडवांटेज दिख गए, प्रोड्यूसर के पार्ट पे क्या कि हमारी लोकल कंपनीज को टेक्नोलॉजी मिल गई, कैपिटल मिल गया, हमारी लोकल कंपनीज को ऑप्शन मिल गए टू मूव बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट. बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट जाने के लिए क्या है, ऑप्शंस मिल गए हमारी लोकल कंपनी को. ठीक है, तो ये सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट है. जैसे इंडिया का आईटी सेक्टर जो है तो उसको फॉरेन एक्सचेंज मिलने लगा, ये सारा सब कुछ. नेगेटिव एस्पेक्ट ये है कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स है, स्मॉल प्रोड्यूसर्स लाइक रवि, ठीक है, तो ये छोटे प्रोड्यूसर्स क्या है, ये नेगेटिवली इफेक्ट हुए हैं. ठीक है, क्यों, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज ने इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया है, कॉस्ट कटिंग हुई है, जो वर्कर्स वगैरह है तो उन्होंने अपनी जॉब खो दी, तो ये कुछ नेगेटिव इंपैक्ट है. अगर आप बात करें स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन की, तो आपको ये देखना होगा क्या कि ग्लोबलाइजेशन अच्छी चीज है, लेकिन वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए. फेयर मतलब क्या है कि उसके बेनिफिट सब रिसीव कर पाए, उसके बेनिफिट सब रिसीव कर पाए, वो फेयर ग्लोबलाइजेशन होगा. तो वहां पे गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है, लोगों को एक साथ लाना. ठीक है, फिर गवर्नमेंट सारे कंट्रीज एक साथ आके नेगोशिएट कर सकते हैं WTO में. गवर्नमेंट क्या कर सकती है, लेबर लॉज वगैरह की मदद से वर्कर्स को बचा सकती है. गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक तरह से जैसे अगर आप देखेंगे तो ट्रेड बैरियर्स का इस्तेमाल कर सकती है. समझ में आ रहा है, तो ये स्ट्रगल जो है फेयर ग्लोबलाइजेशन में गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और लोग भी प्रेशर बना सकते हैं ग्लोबलाइजेशन को और फेयर बनाने के लिए. तो दिस वॉज दी होल स्टोरी. आई होप यू पीपल रियली एंजॉयड दिस. आपको पूरे चैप्टर, पूरे 21 चैप्टर, आई गेस दो घंटा, डेढ़ घंटा बोला था मैंने लेकिन दो घंटा लग गया. ठीक है, इसको 2x पे देखोगे आप, एक घंटे में आप एग्जाम से पहले वाली सुबह पूरे 21 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो. ये वीडियो हर दिन आप देख सकते हो चाहो तो, हर दिन वैसे देखना नहीं है आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जब आपको स्नैप रिकैप करना हो, ठीक है, कम समय में सारी चीजें, तो वो कम समय में सारी चीजें आपको मिल गई है. और इसी के साथ मैंने बताया कि शंखनाद हो चुका है, आप एक एक बुक को रिवाइज करेंगे. डेली हमारे मॉर्निंग में सेशंस रहेंगे, डिस्क्रिप्शन चेक करते जाना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना. ये सारे नोट्स वगैरह अनअकैडमी ऐप पे कम्युनिटी सेक्शन में आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं. मोटो इज वेरी क्लियर, लेट अस विन टुगेदर ओवर दिस दीज बोर्ड्स. ठीक है, दो तीन एग्जाम दे दिए, अब सोशल की बारी है. सोशल मिलकर बेहतरीन तरह से तैयार करेंगे. आपको मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे तो उन्हें रिकॉल करना, कमेंट्स में बताना, और कैसा लगा ये सेशन ये बताना. योर कमेंट्स मोटिवेट मी टू डू मोर. ठीक है, एंड अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल. थैंक यू वेरी मच.